नमस्कार, कैसे हैं किशोर श्रवण? किशोर सर, पहले आपके पास गुरु नीति वीडियो नंबर 9 आउट ऑफ 45। दो बात आज आपसे कर लेता हूं दोस्तों। आज 24 नवंबर को आपके पास ये 9वां वीडियो हमारा आ रहा गुरु नीति का। आप सब जानते हैं 180 वीडियो मेडिकल के बच्चे के लिए है, और ऐसे गुरु नीति जेई में हम लोग 100 वीडियो दे रहे हैं जेई के बच्चे को। वो भी दोस्तों आप देख रहे हो 19 नवंबर से अपलोड होना स्टार्ट हो गए। मेडिकल में एक दिन में 2 वीडियो आते हैं, फिजिक्स / जूलॉजी, केमिस्ट्री / बॉटनी, और IIT में एक दिन एक वीडियो आएगा। ओके डियर, आपके सामने एक बहुत शानदार सी वीडियोज हैं जो आपके लिए आ रहे हैं। उसके बाद एक बात करना चाहता हूँ, आपके अपने CLC की जो टेस्ट सीरीज है वो स्टार्ट हो चुकी है। ठीक है डियर, ओनली टेस्ट आप ज्वाइन करना चाहो तो अभी वो ऑनलाइन टेस्ट होंगे, और जैसे ये सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा, सरकार का अप्रूवल मिल जाएगा, तो ऑफलाइन में कन्वर्ट हो जाएगा। और इधर पूरी साल आप ऑनलाइन चाहते हो ऑनलाइन पूरी साल ले सकते हो। ऑल ओवर जयपुर जोधपुर हमारे तीनों ऑफिस जाके एडमिशन ले सकते हो। कोटा टेस्ट सेंटर पे पढ़ा स्टार्ट हो गया, मनोज ढाका वहां चला गया है, तलवंडी सर्किल पे हमारा ऑफिस है, एक अल्टीमेट टेस्ट चलती है हमारी। इसके अलावा मैं तो कहता हूं भाई, आपको इस साल यदि रिजल्ट को बहुत अच्छा करना है, सेफ्टी भी चाहिए, सब चाहिए, तो आप सीकर की ओर मूव कर लो। सीकर में एक सुंदर सी व्यवस्था, बच्चे बहुत आराम से, क्योंकि कस्बा टाइप है, यहाँ सोशल डिस्टेंसिंग भी है, और CLC के आसपास का इलाका बड़ा खुला खुला सा है, क्योंकि ये एक नई कॉलोनी बसी थी। वहां आज भी आसपास खेत खाली पड़े हैं, CLC की बिल्डिंग जो है आप देखो तो वहां कहीं तो अभी खेत खाली पड़े हैं, इतनी स्पेस है यहाँ पे, एक प्रॉपर ऑक्सीजन है, सारी व्यवस्थाएं हैं। ठीक है, ये बात थी। बाकी दोस्तों आपके अपने CLC अभी 26 नवंबर से बैच स्टार्ट कर रही है, 3 दिसंबर से बैच स्टार्ट कर रही है, और 10 दिसंबर से आखिरी बैच हमारा। और मुझे कहते हैं बहुत खुशी हो रही है कि 16 अप्रैल को हमने पहला ऑनलाइन क्लास स्टार्ट की थी, कल 22 नवंबर को हमारे 12th बायो और मैथ के हिंदी मीडियम के बैच कंप्लीट हो गए, यानी लैंड टेक ऑफ करके हवाई जहाज को सुरक्षित लैंड कर दिया है। 24 साल ऑफलाइन का अनुभव था, और दोस्तों मात्र 8 महीने के अंदर ऑनलाइन का एक बैच कंप्लीट कर चुके हैं। मैं चाहूंगा इसके लिए मेरी पूरी टीम के लिए क्लिपिंग करके, और मेरे बच्चों के लिए जरूर क्लास देखना स्टार्ट की। तो बात शुरू करें, आओ भी शुरू करें। 9वां टॉपिक है सर्कुलर मोशन। तो सर्कुलर मोशन को एक बार अपने क्वेश्चन करने से पहले बेसिक बात करते हैं, पेज खाली करो। ये एक अल्टीमेट क्वेश्चन दोस्तों। देखो दोस्तों, आप जानते हो गति, सबसे पहले गति क्या होती है कि आप इधर देखें किशोर पुत्र, कि ये जो बॉडी है इस पे कोई एफ फोर्स लगता है तो ये गति कौन है? स्ट्रेट लाइन। देखिए गति, देखिए गति, ठीक है डियर। अब इसमें कांस्टेंट बल है तो त्वरण नियत रहेगा, बल परिवर्तनशील है तो गति भी क्या हो जाएगी? परिवर्तन। तो इसको एक तो कह सकते हैं क्षितिज गति, नियत त्वरण से, और एक क्षितिज गति परिवर्तनशील त्वरण से। हॉरिजॉन्टल मोशन विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन, और हॉरिजॉन्टल मोशन विथ वेरिएबल एक्सेलरेशन। तो इसमें हम जानते हैं दोस्तों, यह सबसे बड़ी बात है कि यहाँ एफ और डी के बीच जो एंगल है वो क्या होता है? हमेशा जीरो होता है। ये बात पूरी हो गई। अब अपन दोस्तों ये बात कहें कि ये कोई बॉडी है, बस ये सुनना सुन ले, ये कोई कण है, ये दोस्तों सेंटर है, इसके सापेक्ष ये सर्कुलर मोशन कर रहा है। ये दो प्रकार का हो सकता है, कैसे? एक क्षितिज वर्तुल गति, एक ऊर्ध्वाधर गति। हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन और वर्टिकल सर्कुलर मोशन। हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन फिर दो प्रकार का है, एक नियत चाल का, नियत वेलोसिटी बोल रहा हूं, वेलोसिटी की कांस्टेंट कभी हो नहीं सकती, कांस्टेंट स्पीड से, एक वेरिएबल स्पीड से। सर्कुलर मोशन दो प्रकार का है, सर्कुलर क्षितिज वर्तुल गति, ऊर्ध्वाधर गति। क्षितिज जो है वो दो प्रकार की है, एक विथ कांस्टेंट स्पीड, एक विथ वेरिएबल स्पीड। वेलोसिटी हमेशा ही चेंज होनी है। अब थोड़ा सा किशोर पुत्र बात करें, देखो डियर, माना ये मेरी कांस्टेंट स्पीड की है, ये बॉडी यहां है, इस पे दोस्तों जो बल लगता है वो हमेशा कहां लगता है? केंद्र की, सेंटर की तरफ। और गांठ बांध लो, जब भी कोई पथ सर्कुलर होता है तो उसकी जो दिशा है वेलोसिटी की, वो हमेशा क्या होती है? इसके स्पर्श रेखा, स्पर्श रेखा। कहीं तो यहां आ जाएगा तो यहां हो जाएगी, यहां आ जाएगा तो यहां हो जाएगी, यहां आ जाएगा तो यहां हो जाएगी। कहने का मतलब है इनके बीच कोण हमेशा क्या है? 90 डिग्री। अब इधर जो बल लग रहा है वो एफ है, वो हमेशा क्या होता है? mv² / r। और इसको मैं त्वरण कहूं तो इसको मैं कहूंगा AC। बोलो बोलो किशोर पुत्र। AC = v² / r। a मतलब सेंट्रीपिटल, अभिकेंद्रीय त्वरण, अभिकेंद्रीय बल। एक दोस्तों इसको अपन r भी कह सकते हैं, r भी इसका इधरिश होता है। इसको मैं r सदिश कह दूं, इसको a सदिश कह दूं, इसको f सदिश कह दूं, इसको v सदिश कह दूं। तो एक बात गौर करना, AC और V एक दूसरे के लंबवत है। बोलो किशोर, बोल दूं? बिल्कुल सही। आर
और वी भी एक दूसरे के लंबवत है, एफ और वी भी एक दूसरे के लंबवत है। yes. और एक सुंदर चीज, एसी और आर क्या है? पैरेलल है। यस, एसी आर क्या है? पैरेलल है। ध्यान जाओ क्लास का, ये कोई समझो 15-20 मिनट, ये कोई कांस्टेंट स्पीड से हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन है। yes. ये कौन सा बल लगा? अभिकेंद्रीय बल। ये नाइस बॉस, इसमें थोड़ी सी अपन मिस्टेक करने जा रहे हैं। हाँ बताओ क्या मिस्टेक कर रहे हैं। एसी जो अपना है, हाँ हाँ, वो तो है अंदर की तरफ, ठीक है, और जो आर होता है वो ये आपका ओ पॉइंट है, ये आपका है पी पॉइंट, बाहर की ओर है, बाहर की तरफ। ये हो गए एंटी पैरेलल। एंटी पैरेलल तो आप इसको, लेकिन हमने कुछ डायरेक्शन बताई, हाँ डायरेक्शन के साथ। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत शानदार बात। देखो सेंट्रिपिटल फोर्स हमेशा किधर? केंद्र की ओर। अभिकेंद्रीय बल केंद्र की ओर, और आर हमेशा मेजर करना बाहर की तरफ, सेंटर से कहां जाएंगे? उस बिंदु की ओर जाएंगे। हाँ ये कह सकते हैं एसी और आर पैरेलल तो है, बट अपोजिट पैरेलल है। गुड, शानदार। इसलिए दो बंदे खड़े होते हैं हम लोग, कोई दिमाग में कोई बात आ गई, किसी कोई दिमाग में बात आ गई, चलता रहता है, और नेचुरल सा प्रोसेस हम क्लास में रखते हैं इसको। yes, ये आपके सामने आ गया। तो एसी और आर क्या हो गया भाई? एक दूसरे के पैरेलल, एंटी पैरेलल। एंटी पैरेलल वेक्टर की भाषा में कहूं तो एंगल 180 डिग्री का है। तो ये दोस्तों क्या है किशोर पुत्र? कांस्टेंट स्पीड का हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन है। बोलो बोलो मेरे साथ, कांस्टेंट स्पीड का हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन है। नियत चाल का क्षितिज वर्तमान तो गति। अब तो एक बात जानता है, अब यहां भी है, यहां से यहां आ गया। yes. तो भाई चाल तो नहीं बदली, बट वेग की दिशा बदल गई। मैं इसको एक बार मिटा के आगे बढ़ूं, तो ये मेरा गोला है। सपोज करो दोस्तों मैं इस बिंदु से इस बिंदु पे आ गया, तो यहां मेरी स्पीड, यहां मैं वापस कलर चेंज कर लिए। अब यहां माना कि स्पीड किशोर पुत्र मेरी V1 है, और यहां मेरी स्पीड सपोज कर की V2 हो गई, तो थीटा एंगल घूम गया मैं। yes. तो मेरे वेग में कितना परिवर्तन हुआ? चाल में नहीं, वेग में। वेग में कितना परिवर्तन हुआ? तो आप अच्छी तरह जानते हो, पूरी बात को समझने की कोशिश करो। डीवी क्या होगा दोस्तों? वी फाइनल माइनस वी इनिशियल। बोलो हाँ या ना? यस, बोल बोल। ओके डियर, कहने का मतलब ये, इसका परिमाण निकालें, तो इसका भी परिमाण निकालो। तो V2 माइनस V1 का परिमाण दोस्तों आपका सीधा सा मतलब है, ये दो वेक्टर का डिफरेंस है। हम कह सकते हैं ऐसे, V1 स्क्वायर प्लस V2 स्क्वायर माइनस 2V1 V2 cos थीटा। ओके डियर, अब यहां एक बहुत प्यारी बात है किशोर पुत्र, कि V1 और V2 के संख्यात्मक मान क्या है? बराबर है। तो V1 और V2 के न्यूमेरिकल वैल्यू बराबर है, तो पुत्र ये भी क्या हुआ? V2। ये भी क्या हुआ? V2। ये क्या हुआ? -2V2 cos थीटा। तो डेल्टा V इक्वल टू क्या हुआ? मेरी क्लास की बड़ी सुंदर चीज है, 2V2 -2V2 cos थीटा। आप ऐसा करें डियर, इसका रिजल्ट बोल दो, एक ही बात है, √2 बाहर ले लो, इसको अंदर रखो, V भी बाहर ले लो, अंदर क्या बचा? 1 - cos थीटा। बाहर से आ गया √2V, 1 - cos थीटा। इसको मिटा दो, इसकी बात हो गई। तो बजा जरा जरा मेरे साथ देना, मेरा साथ देना। yes. cos 2 थीटा बोले तो 1 - 2 sin² थीटा, 1 - cos 2 थीटा मैं लिखूं, जब बोला मन से यार कितना आया? 2 sin² थीटा। तो ये ले मेरे पुत्र, ये तेरा डेल्टा वी का रिजल्टेंट जो है, √2 तो बाहर है, वी बाहर है, 1 - cos थीटा है, 2 sin थीटा का रूट है। तो एक रूट तो ये आ जाएगा, साइन तेरा बाहर हो जाएगा। तो ये ले पुत्र, √2V की वैल्यू क्या आ गई? 2V sin θ/2। सॉरी, यस यस, sin θ/2। आज की इस क्लास का अब तक का सबसे प्यारा प्रश्न हो गया भैया। अब याद कर ले कि माना कोई एक आर सदिश है, यस, दूसरा कोई आर सदिश है, वो थीटा कोण पे घूम जाता है, तो उसके रिजल्ट, सॉरी, संख्यात्मक मान समान रहे, पहले भी आर, उसके बाद भी आर, और यदि वो थीटा घूम जाता है तो उसका जो डायरेक्शन के कारण चेंज हुआ, जो दिशा के कारण चेंज हुआ, तो उसका जो परिणाम होगा वो होगा 2। तो इसको अपन ऐसे कहते हैं कॉमन भाषा में, इट बिकम्स 2R sin θ/2। दिस इज चेंज इन डेटा। तो अगला साफ कहता है, यहां ए से ये बॉडी आपकी बी पे गई, तो चाल तो क्या पुत्र? नियत। चाल नियत है, तो एक बात और बोल, और कौन नियत हुआ? गतिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा, चाल नियत है, गतिज ऊर्जा नियत है। नियत। अब सुने, वेग बदला, संवेग बदलेगा, समय बदलेगा, वेलोसिटी बदलेगी, मोमेंटम बदलेगा। बोलो हाँ या ना? या कि सुंदर चीज होगी। तो कितना चेंज हुआ? 2R sin θ/2। मैं मेरी बात को यहां पूरा कर देता हूं, तो वापस आता हूं मैं, क्षितिज
नियत चाल की क्षितिज वर्तुल गति भी, कांस्टेंट स्पीड की हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन, इस पे आपकी सारी बात हो गई। यस, अच्छा इसमें वर्ताकार पथ में कार्य होता ही नहीं है, क्योंकि इसी कारण भूलो, याद करो, देखो प्लस क्यू के कारण, याद है ना, नाभिक के चारों ओर कोई इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है तो याद तो कोई कार्य नहीं किया जाता है, किसी ग्रह के चारों ओर उपग्रह घूमते हैं तो वहां भी कोई कार्य नहीं होता है, याद करो डियर, यहाँ एक अभिकेंद्रीय बल चाहिए एम स्क्वायर बाई आर, तो यहाँ तो वो काम आएगा के क्यू वन क्यू टू बटा आर स्क्वायर, और ग्रह उपग्रह की बात करोगे तो यहाँ जो अभिकेंद्रीय बल है एम स्क्वायर बाई आर, किशोर पुत्र कहां से काम आएगा, जी एम एम अपॉन आर स्क्वायर। सैटेलाइट बीसी बेस पे है, यस, नाभिक जो आपको एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ाऊंगा मैं, नाभिक के चार ओर इलेक्ट्रॉन किसी स्टेबल ऑर्बिटल चक्कर लगाता है, ये सारे दोस्तों यहीं से आते हैं, वो सारे किसके एग्जांपल हैं, सर्कुलर मोशन के एग्जांपल है, वो भी हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल नहीं, हॉरिजॉन्टल। लो जी बात यहां पे पूरी हुई, ये तेरा कोण हुआ सर्कुलर मोशन। एक चीज में बात और करना चाहूंगा, एक होती है रेखीय गति, एक होती है वर्तुल गति, एक होती है घूर्णन गति, घूर्णन गति, एक है लीनियर मोशन, एक है सर्कुलर मोशन, एक है रोटेशनल मोशन। रोटेशनल मोशन दोस्तों घूर्णन गति नहीं, अलग है वो, वो हमेशा किसी अक्ष के सापेक्ष होती है, उसके आगे एक शब्द आएगा हमेशा आघूर्ण, घूर्णन। और एक बात और गांठ बांध लो, जिसके आगे आघूर्ण लग गया, इनर्शिया लग गया, मोमेंट लग गया, सॉरी जिसके आगे मोमेंट लग गया, वो हमेशा क्या होता है, सदिश। दुनिया में एक ही आघूर्ण अदिश है, कौन, जड़त्व आता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है, जड़त्व आघूर्ण दुनिया का एकमात्र आघूर्ण है जो अदिश है, जो प्रदिश होता है वैसे तो वो, हाँ, अदिश बोल देंगे उसको, बाकी फंडे पूछिए, दुनिया के सारे आघूर्ण क्या होते हैं, सदिश होते हैं। ये ऊपर जाके आईटी वगैरह जाके हो सकता है, कहीं आपके रूल पूछा, हाई फाई कंडीशन चेंज है, मुझे तो मेडिकल में सर्च कराना तेरा भैया, बिल्कुल मेरी बात नहीं होगी। अब मैं यहां थोड़ी सी चीज पे और थोड़ी और प्यार करते हैं, रिएक्टिव गति में जो काम एस करता है, यहां वो काम थीटा करता है, कैसे, आ जा पूरा पढ़े बच्चे को एक बार, देखो डियर, कोई बॉडी यहां है, यहां से वो थीटा कोण चली गई, रेडियस इसकी आर है, इसको आर्क बोलते हैं, एस है, तो अपन सब जानते हैं भाई कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या, कोण बराबर आर का कोण रेडियस, सीधी सी बात बोल, हाँ ना, बिल्कुल सही, सिंपल सा फंडा दोस्त। और एक बात सुनना, ये रेड अपन डिग्री में नापते हैं, डिग्री कोई बात रखे नहीं है, मात्र कौन है, रेडियन है, एक चक्कर का मतलब क्या है पुत्र, टू रेडियन इक्वल टू 360 डिग्री, सोल्ड करूं मैं तो दोस्तों वन रेडियन इक्वल टू होता है पाई अपॉन, देख ले टू पाई बराबर क्या है 360, yes. और एक रेडियन बराबर क्या होता है 57.5, ये 57 डिग्री हो सकते हैं, बोल हाँ ना, yes. और ये तेरे सामने हो गए, एक रेडियन क्या हो 57 डिग्री, बार बार सुन ले रहे भाई, डिग्री हुए मात्रक है, ऐसा ही मात्रक नहीं है, वो कौन है, रेडियन है, क्लियर, कैलकुलेशन में रेडियन ही यूज करेंगे, एक बात और सुनना, यस बस, ये कौन है दूरी, दूरी ये कौन है दूरी, ये कौन है दूरी, ये कौन है दूरी, दूरी बट्टा दूरी, ये क्या है विमाहीन, विमाहीन तो इसका मात्रक होता है, ये यस ये मैं कहना चाहता हूं, कौन विमाहीन है, मात्रहीन नहीं है, आई बात पहले पड़ी, बिल्कुल मतलब होता है डीएस बाई डी टी, यहाँ ओमेगा कहेंगे वो क्या होगा, बोल किशोर लिख दो से, थीटा बाई डी टी, फिर ए के बाद कौन है, ए त्वरण, ये कौन है रेखीय त्वरण, वो कौन है पुत्र, डीवी बाई डी टी कहो, चाहे एस का दोबारा उत्पन्न कर दो, बात एक ही है, इधर दोस्तों अल्फा लेते हैं, अल्फा बराबर कौन है, डी ओमेगा बाई डी टी कह दो, चाहे पुत्र इसका दोबारा उत्पन्न कर दो, डी स्क्वायर थीटा डी टी स्क्वायर, थोड़ा आगे और चल पुत्र, यहां जो काम एफ करता है, इधर वो उस काम के लिए अपन टो लेंगे, इधर एफ हो गया, इधर जैसे एम होता है तो उधर दोस्तों आपका जड़त्व है, आघूर्ण आता है, इधर मोमेंटम पी होता है, इधर एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, जे होता है, मेरे हिसाब से ये चीजें हैं जो काम आती है, एस वी, ये घूर्णन गति और सर्कुलर मोशन रेखीय गति के सारे वो डेटा है जो आपके काम आएंगे, इसमें अल्फा कांस्टेंट तो करना, गति के समय लगा देंगे, इसमें लगा देंगे बस, उससे लगा देंगे, कोई कोई दिक्कत नहीं है, चले आगे, ये था कौन था किशोर, नियत चाल की हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन। अब यदि चाल भी बदले, यस यस बात कर ले उसकी भी, आजा पुत्र,
ये कोई पार्टिकल है, कहां चल रहा है? सर्कुलर मोशन में। लेकिन अब इसकी चाल का भी संख्यात्मक मान चेंज हो रहा है, तो डियर आपको क्या कहना होगा, ए सी इधर है और इधर एक कोण आएगा, ए टी आएगा। ये व्हाट इज ए टी? ए टी इक्वल टू डीवी बाई डी टी। व्हाट इज ए सी? वी स्क्वायर बाई आर। एक वेक्टर ये, एक वेक्टर ये, तो इस पार्टिकल पे दो सदिश लग गए, दो, और दो सदिश जब भी होते हैं ये कौन हो गया? इसका परिणामी। तो दोस्तों इसका जो परिणामी है, जिसको मैं ए आर कह दूं, रिजल्टेंट, वो क्या बन जाएगा पुत्र? ए सी का स्क्वायर प्लस ए टी का। ये सारे क्वेश्चन आगे हैं, ध्यान दे क्लास। यदि चाल कांस्टेंट है तो ए टी क्या है? जीरो, जीरो। हेलो, चाल कांस्टेंट है तो ए टी क्या है? जीरो। पर चाल भी वेरिएबल है तो ए टी भी है, ए सी भी है, रिजल्टेंट क्या होगा? एसी हमेशा होगा। तो ए आर इक्वल टू क्या हो जाएगा? एसी का स्क्वायर प्लस एटी का स्क्वायर। ओके डियर। और किशोर पुत्र, मैं थोड़ा सा मेरे दिमाग की बात और आ गई, मैं ये कहूं एटी जीरो और एसी जीरो, तो तू बता कौन सा मोशन होगा? ये आपका बिल्कुल एक समान, एक समान गति होगी। देखिए, देखिए गति ये है, ढंग से बैठना है, ऐसे क्या कर रहा है? एटी भी जीरो, रेखीय त्वरण भी जीरो, अभिकृत त्वरण भी जीरो। इसका मतलब ये भी थोड़ा सा अपन स्कीम के वेग के बारे में कुछ नहीं कर रहे हैं। हाँ, या तो गति होगी नहीं। हाँ, होगी तो कांस्टेंट वेग से। यस, या तो गति नहीं है। सुनो, यहाँ दो कंडीशन है, या तो विराम अवस्था में है या विराम अवस्था में नहीं है, तो नियत वेग से गति है। हाँ, उसको अपन यूनिफॉर्म मोशन कहेंगे। यस, लीनियर मोशन। यस, आगे चल। अब मैं कहता हूं एटी नॉट इक्वल टू जीरो और एसी इक्वल टू जीरो, तो मोमेंट तो कौन सा है? लीनियर, लीनियर वेरिएबल एक्सीलरेशन, परिवर्तनशील त्वरण वाली गति। अब आगे नियत त्वरण से, एक समान बढ़ती गति हो गई। यस, और पर इसमें अपने को बोलना पड़ेगा बार बार, बोलो ये कॉन्स्टेंट है कि वेरिएबल है, वो तो बोलना। अब एटी नॉट इक्वल टू जीरो और एसी भी नॉट इक्वल टू जीरो, तो जो अभी बताया मैंने, वह एटी भी है, वह एसी भी है, तो क्या होगा इसका रिजल्ट? समानवर्ती गति हो। वो बताया एसी स्क्वायर प्लस एटी स्क्वायर का रूट है। ये लो भाई, मेरे हिसाब से तो ये बातें यहां पे पूरी हो गई। बिल्कुल बोल रहा है ना, सर्कुलर की जान ही है, जान है। ये हो गया क्षितिज वर्तुल गति। ठीक है डियर, अब पहले अपन क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद अपन उर्दू पे आएंगे। आप लोग भी थोड़ी से बोल नहीं हो, शुरू करें। ये बढ़ा दिया पूरा आपको मैंने, आ जाओ। कहता है m मास की वस्तु r रेडियस के सर्किल पे नियत चाल v से गति कर रही है, m u स्क्वायर बाय r आपका फोर्स है। दोस्तों वो कहता है भैया सीधी सी बात है, इस पथ में चाहे कितना ही घूम ले कोई कार्य नहीं होता है। तो w इक्वल टू तू जानता है f d cos थीटा होता है, यहां में से थीटा क्या है? 90 है, इसलिए कार्य कभी नहीं होगा। इसमें अर्धवर्त का वर्त का मतलब नहीं है, कोई रोल नहीं है, कोई रोल नहीं है, हमेशा कार्य जीरो होगा, जीरो होगा। ओके, आगे चलो। बिल्कुल, दूसरे प्रश्न पे आ जा। 10 केजी 5 केजी की दो वस्तुएं आर व आर रेडियस के सेकेंडरी वर्त, यानी एक यहां घूम रहा है और एक उत्तर यहां घूम रहा है। ठीक है, ये पहले आर लिया गया, पहला कैपिटल आर, पहले कैपिटल आर है, दूसरा स्मॉल आर, स्मॉल आर है। अब वो कहता समान आवर्तकाल से गति करते हैं तो सेंट्रिपिटल एक्सीलरेशन का रेशियो, सुन ले रहे भाई, फिजिक्स एक बात कहती है, तीन चीज होती है, एक को वो कांस्टेंट करता है, कांस्टेंट, एक को बदलता है और एक को आपसे बदलवाता है। तो भाई मैं जानता हूं एफ इक्वल टू एम आर ओमेगा स्क्वायर। यस, क्यों? ओमेगा इक्वल टू क्या आ किशोर? बोल यार, मजा आ रहा बात का। 2π/T, तो 2π तो ऐसे कांस्टेंट है, टी कांस्टेंट, तो पाई भी, ओमेगा भी कांस्टेंट। अगला साफ कहता है आवर्तकाल समान है, ये क्या हो गया? कांस्टेंट। ठीक है डियर, आगे ध्यान सुनना। अब वो कहता है कि अभिकेंद्रीय त्वरण का अनुपात चाहिए, तो एफ की बजाय क्या लिख दूंगा? ए। ए इक्वल टू क्या हो गया? आर। डायरेक्ट प्रोपोर्शनल। तो तेरे सामने सामने A1 अपॉन A2 इक्वल टू कैपिटल आर बाय स्मॉल आर, कैपिटल आर फर्स्ट का स्मॉल आर। बिल्कुल कुछ नहीं किया, एक चीज वेरी की, कौन? रेडियस। रेडियस ए को हमसे वेरी करवाया, किसको? एक्सीलरेशन को। टाइम पीरियड को क्या कर दिया? कांस्टेंट। बोल। यस, सिंपल सी बात। आगे चल। एक द्रव्यमान घर्षण रहित क्षैतिज तय पे रखा है, डोरी से बंधा हुआ। एक बात सुनना भाई, यहां दो प्रश्न आएंगे, एक डोरी से बंधा हुआ,
एक रोड से बंधा हुआ, छड़ से बंधा हुआ। तो छड़ से बंधे हमारे एग्जाम में नहीं आते, लास्ट तो बात करेंगे अपन, सारा खेल डोरी को पड़ा है। ये तो डोरी से बंधा हुआ हो या किसी नाड़ से, या सिंपली वर्ताकार पथ में चक्कर लगाए, जैसे नाभि के चारों ओर इलेक्ट्रॉन घूमना, ग्रह के चारों ओर उपग्रह, किसी प्लेटफॉर्म पे कोई पार्टिकल रखा है वो घूमना। तो ये साफ कहता है मास स्पोर्टेड ऑन ए फ्रिक्शनलेस होरिजन सरफेस इट इफ अटैच्ड टू स्ट्रिंग एंड रोटेट अबाउट फिक्स्ड सेंटर इज एक्विलेटरल ओमेगा नॉट, इफ द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग एंड एक्विलेटरल ऑफ बोथ आर डबल द टेंशन इन द, देखो भाई सीधी सी बात कहता है, कहता है कोणीय वेग और डोरी की लंबाई दोनों दुगनी कर दें तनाव, तनाव बोलो छुट्टी बोले की बात है, c इक्वल टू कोण है mv² / r, या आप यूं कह सकते हो mr ओमेगा स्क्वायर, दोनों को एक ही बात है। यस देखो इसको mv² / r भी कह सकते हो, इसको आप mr ओमेगा स्क्वायर भी कह सकते हो, बातें दोनों एक ही है जी, कोई फर्क नहीं है। v दिया है तो v ले लेंगे, ओमेगा दिया है तो ओमेगा ले लेंगे। अब देख तेरे सामने सामने कहता है कलर चेंज कर, एक तरीका होगा भी मेरा क्वेश्चन करने का। अगला कहता कोणीय वेग डबल, ओमेगा को डबल किया तो दोस्तों 2 का स्क्वायर कर दो, लंबाई दुगुनी की तो इसको फिर 2 से गुणा कर दो, तो 8 हो गया। तो दोस्तों आपका आंसर क्या आ गया है, 38 है हमारा, बिल्कुल गड़बड़ नो, सिंपल सी बात है। अब एक चीज मेरे दिमाग में और भी आ रही है, जो आप एक बात कह रहे हो t इक्वल टू एम आर ओमेगा स्क्वायर, एक काम कर यार, r से ऊपर गुणा कर r से नीचे गुणा कर, यस ठीक है, फिर क्या बनेगा m r स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर अपॉन r, यस ठीक है। अब अपन इसको यदि थोड़ा सा a वगैरह में कन्वर्ट करना चाहें तो वैसे भी कन्वर्ट कर सकते हैं, तो छोटो जरूरत नहीं है, तो उसको इतना कर लेते हैं घड़ी की सुई, घड़ी की सुई की चाल चेंज नहीं होती है। अगला साहब कहता है घड़ी की सेकंड की सुई 1 सेंटीमीटर लंबी है, इसकी नोक के वेग में 15 सेकंड में, तो घड़ी की सुई 15 सेकंड में यहां से यहां आ जाएगी। ओ पुत्र एक वेलोसिटी v1 इसकी यहां थी और v2 इसकी यहां होगी, एंगल कितना हो गया 90 डिग्री, तो मैंने अभी पढ़ा दे तेरे को r इक्वल टू क्या है 2r साइन थीटा बाई 2, यहां वेग में चेंज पूछता है तो डेल्टा v की बात कर लूंगा, तो 2v को बाद में बात करेंगे साइन थीटा बाई 2। अब सबसे बड़ी बात है कि v क्या है इसका, अपना वी में चेंज है ना, तो वी क्या है, तो मैं जानता हूं वी इक्वल टू क्या होता है आर ओमेगा, आर कितना है 1 सेंटीमीटर, ओमेगा क्या होता भाई 2π/60, यस सेकंड की सुई का ओमेगा क्या होगा थीटा बाई टी, एक चक्कर थीटा कितने का होता है 360 का, और सेकंड की सुई आजकल जमाने बच्चे डिजिटल घड़ी वाले हैं पता नहीं है, सेकंड की सुई 60 सेकंड में चक्कर लगाती है, तो 60 इतना पाई बाई 30 आ गया, पाई बाई 30 आ गया ना, तो ये देख तेरा 2π/30 और ये तेरा साइन 90 साइन 45 कितना होता है 1/√2, तो भाई ये √2 कैंसिल आउट हो गया, ऊपर क्या होगा √2π/30 पूरा पाई √2π/30 सेंटीमीटर पर सेकेंड आंसर आ गया। रुको यार सॉरी पानी पीता हूं बात भी करता हूं, देखो डियर पांडाला भगवान बेटा इस प्रश्न में सबसे काम की चीज यह है कि सेकंड की सुई पहली बात तो एक चक्कर लगाएगी 60 सेकंड, यहां से यहां तक गया तो डियर इसका 15 सेकंड में बिल्कुल सही है, तो इसका चेंज हुआ 2r sin θ/2, बट वो तो हमें v है, हमें क्या चाहिए ओमेगा, v चाहिए हमें तो ओमेगा है ना, तो v इक्वल टू क्या है r ओमेगा, तो v क्या हुआ π/30, आपने चेंज कर दिया इसको बिल्कुल। इसी प्रश्न में दोस्तों मिनट वाले सुई देखो, सुनो सेकंड की सुई में 2π/60 रेडियन पर सेकंड, मिनट की सुई में आएगा 2π/60/60, क्योंकि मिनट की सुई 1 घंटे में चक्कर लगा दी है, ओके डियर, और घंटे वाली सुई है तो वो दोस्तों 12 घंटे में चक्कर लगा दे, 12 घंटे मिनट से गुणा कर दो सेकंड से, सबके मात्रक है इनके रेडियन पर सेकंड, ये सेकंड की सुई का कोणीय वेग है, ये मिनट सुई को नहीं वेग है पर घंटे वाले सुई का जो चॉइस नहीं होता घंटे घड़ी 12 होते हैं 12 घंटे। आगे चल भैया चल पुत्र भगवान चला, अरे क्या सुंदर क्वेश्चन आ गया। अब दोस्तों साहब कहता एक डोरी है जिसमें अधिकतम 10 न्यूटन का वो तनाव बर्दाश्त कर सकता है, 250 ग्राम के द्रव्यमान को पत्थर को 10 सेंटीमीटर डोरी से बांध के घुमाएं, देखो दोस्तों एक डोरी से पत्थर बांधो घुमाओ
तेज घुमाव टूट के चली जाएगी। क्यों? कि दोस्तों उसको एक ताकत चाहिए m²/r, बस सीधी सी बात। यस, वो अधिकतम होगी, इससे ज्यादा तो ये आप इक्विटी कर दो। यस, अब तो खुद कह रहा है टी कितना है, बोलो कुछ और पूछो। 10 m कितना? 250 ग्राम, 1/4। और v कितना है अपन पूछ है, फाइंड आउट। एक मिनट मिटा के दोबारा कर लूं। टी इक्वल टू है m ओमेगा स्क्वायर, क्योंकि मेरा हाथ अपना बुक किया। यस यस, मैं बार बार एक बात कहता हूं दोस्तों, हम इस कैमरे को रोक एडिटिंग कर सकते हैं, लेकिन हम उस प्रोसेस पे आते हैं जिससे लगे कि क्लास चल रही है हमारी। टी इक्वल टू एम आर ओमेगा स्क्वायर, मुझे क्या चाहिए भैया? ओमेगा चाहिए ना, उसी तरह के लिए ओमेगा बराबर क्या रहेगा? टी एम ओ एम आर। यस, चल दूसरे बोल बेटा, टी कितना है? 10। एम कितना है? 1/4, 4 ऊपर चला। आर कितना है? 1/10, 10 ऊपर चला गया। कितने सामने सामने कितना आ गया भैया? 400। हाथ में क्या आ गया? 20 मीटर फॉर मीटर, 20 रेडियन पर सेकंड, 20 रेडियन पर सेकंड। बिल्कुल, एक बात गांठ बांध ले भाई, सर्कुलर मोशन की एक ही शर्त है m²/r। जब तक m²/r नहीं है, सर्कुलर मोशन है नहीं हो, और ये कहीं ना कहीं से मिलेगा। yes. ये कहीं ना कहीं से मिलता है, ये कोई बल नहीं है, बल नहीं है, मिलता है। मोड़ पे गाड़ी घूमेगी, डोरी होगी, ये कोई देने वाला दूसरा है, ये तो देने वाला है, बट इतना चाहिए चाहिए अगले को, ठीक है ना? ओके, आगे चल। यानी ये सोना प्रश्न है भाई, रुक जाए एक मिनट, तू खुद पढ़ ले बच्चे, एक बार पढ़ लिया, पोज करके आंसर बना दे रहा, बना दिया। अब मेरे साथ सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन क्या है, अब विकेंद्रीय त्वरण क्या है? ये रहा। अगला कहता है एक नियत सदिश, नहीं है बदलता रहता है, बदले नहीं है। यस, एक नियत अदिश, मतलब ही नहीं है, एक परिवर्ती परिणाम का सदिश और एक नियत सदिश नहीं है, तो क्या कहेंगे इसमें? कौन आंसर देंगे? वोट देना पड़ेगा, वोट देना पड़ेगा। एक परिवर्ती परिमाण, परिमाण चेंज नहीं होता है। यस, हेलो हेलो, ये मैग्नीट्यूड चेंज, ना 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 ना, चेंज किस में होता है? डायरेक्शन, डायरेक्शन में। इसलिए तीसरा भी नहीं है, केवल क्या कहेंगे, एक नियत सदिश नहीं है। सुनो भाई, दिशा बदल जाए या संख्या बदल जाए, दोनों में किसी एक के बदलने वेक्टर बदल जाता है। यस, नियत चाल से हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन में केवल दिशा बदलती है, संख्या नहीं बदलती। यस, याद रखो बात। इसमें एक तो अपने को ये इक्वेशन थोड़ा सा एज्यूम करना पड़ेगा। हाँ, ये एक यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, ये तो कहना पड़ेगा, ये तो मानना पड़ेगा। यूं तो फिर आप क्वेश्चन बना नहीं पाओगे, फिर तो कोई ना कोई लिमिट होनी चाहिए। आगे चले, आ जाओ, ले फिर पढ़े एक बार, तू खुद पढ़ लिया, आंसर बना, तब आ। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट नॉट करेक्ट, ये बड़ा पंगा होता है, सत्य नहीं है, सत्य नहीं, ये बड़ा गड़बड़ है। एक समानवर्ती गति सत्य नहीं है, कण की चाल सदैव नियत रहती है, सत्य है, ये है। त्वरण सदैव केंद्र की ओर दृष्टि होता है, सत्य है। कोणीय चाल सदैव नियत रहती है, चाल है, चाल सत्य है। वेग सदैव ना जी ना, मतलब वेग में कौन बदला भाई, किशोर? दिशा या परिमाण? दिशा, दिशा बदली। बोल। यस, आया मजा, ऐसे काम होता है। आगे चल, एट में आ जा। अरे कितना सोना ये है, ये बहुत सोना क्वेश्चन है। फॉर ए पार्टिकल यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन द एक्सीलरेशन एट ए पॉइंट पी आर थीटा ऑन द सॉलिड आर, हियर थीटा इज मेजर्ड फ्रॉम द एक्स एक्सिस। पेज खाली कर दिया। देखो डियर, ये गलत 100% होगा आपका। हो, ये कोई लोकेशन है इसकी, ये इसका थीटा है, ये इसका आर है। Yes. इसको कंपोनेंट में तोड़ते हैं तो बच्चे क्या करेंगे कि साहब ये कोस थीटा, लेकिन दोस्तों इसकी दिशा तो इधर है, इसका आई कैप भी माइनस आए, सॉरी जे कैप भी माइनस आएगा और आई कैप भी माइनस आएगा। बस आप जानते हो त्वरण कौन सा लेना है, v² / r। आगे बोलो, v² / r साइन थीटा माइनस साइन थीटा, कौन देगा भैया? ये एंगल थीटा, तो ये एंगल थीटा, तो ये तो कोस है, साइन पे कोण आएगा जे, जे साइन पे कोण आएगा जे, प्लस v²/r कोस थीटा माइनस आई कैप। दोस्तों ये है इसकी बिल्कुल, इसमें गलती होती है। लड़का क्या करता है, वो कहता साहब v²/r है, तो ये v²/r कोस थीटा कर देगा, ये v² साइन थीटा कर देगा, लेकिन दोस्तों डायरेक्शन तो सेंटर के ऊपर, यहां आना पड़ेगा। आज आप क्वेश्चन आ जा, तो तेरे सामने सामने है, देखो ये प्लस वाला खत्म हो गया, ये खत्म हो गया, बस तो एक ही रहा, ये रहा v² r cos थीटा आई कैप और v² r sin थीटा जे कैप। खाली करना पेज को, दे जाते sin थीटा के साथ जे कैप, cos के साथ आई कैप। ये है दोस्तों एक शानदार क्वेश्चन, बिल्कुल रुक जाए एक मिनट में, आया बात का मजा, ये रुक जाए।
ये है अल्टीमेट क्वेश्चन। क्वेश्चन दिखाना आपस एक बार, बिचारा बेटा ये तेरे सामने हो, ध्यान दो इसमें, थीटा के साथ आई कैप है, साइन के साथ है जे जे कैप। आगे चल बेटा, एम मास का कोई कण आर रेडियस पे क्षितिज वर्त में समान चाल वी से गति करता। देखो सुनो बच्चों, ये सॉरी बात आ जाएगी इसमें, कोई कण चला यहां से, यहां से दोस्तों चलते चलते ऐसे यहां आ गया, सपोज करो इस जगह आ गया, तो इधर भी कितना है ऊपर की ओर, इधर भी कितना है माइनस वी। बस एक बात ध्यान रखना, जैसे चेंज का फंडा बता चुका आपको मैं कि डेल्टा आर में चेंज का फंडा सीधा होता है टू आर साइन साइन थीटा बाई टू। यदि 180 घूम जाता है तो साइन 180 साइन 90 हो जाता है दोस्तों, हमेशा स्पीड चेंज कितने का होता है टू आर। कोई भी वेक्टर क्वांटिटी बिना संख्या बदले 180 पे घूम जाती है तो उसका रिजल्ट डबल हो जाता है, डबल सीधी सी बात है, उसकी संख्या की वैल्यू डबल हो जाती है। आ जा बता दे इसको, क्या कह रहा है, संवेग परिवर्तन नहीं होता है, गलत बात है, संवेग में परिवर्तन 2m होता है, सही बात है, गति जो परिवर्तन m स्क्वायर बाय r है जीरो, गति सुनो रे चाल में, गति ऊर्जा में, ओमेगा में, आवर्तकाल में, फ्रीक्वेंसी में कोई चेंज नहीं होता है, कौन बदलता है वेग, कौन बदलेगा संवेग, दो ही बात याद रखो, जब चाल नहीं बदली तो गति ऊर्जा भी नहीं बदली, बस सीधी सी बात। आ जा आगे चल भगवान भाई, फिर आ जा, आर रेडियस के सर्कुलर पथ पे वी वेग से पिंड गति कर रहा है, इसका फोर्स ए है, यदि इसका वेग 2v कर दिया जाए तो अरे क्या दिक्कत है यार, व्हाट इज ए सी v स्क्वायर बाय r, तेरे सामने सिंपल सा क्वेश्चन है, इसको डबल करेगा तो दोस्तों किससे मल्टीप्लाई कर दो, यहां 4 से मल्टीप्लाई कर दो, जो पहले क्या था a था, अब क्या हो गया 4, ये आपकी प्रैक्टिस के लिए करा दिया मैंने। आगे चलो भैया, एक पिंड r त्रिज्या के वर्त पे समान चाल v से चक्कर लगा रहा है तो स्पर्श रेखा का त्वरण क्या है, जीरो जीरो। हेलो 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 लड़के लड़के लड़के, इधर कोई त्वरण है नहीं है, कब है कब कब, जब चाल समान है, ये कौन होता है at, what is at, dv by dt, जब v कांस्टेंट है तो उत्तर क्या हो गया जीरो जीरो, बोल रहा है ना, यस। अच्छा तो डियर अब तक के क्वेश्चन जरा किशोर पुत्र, उनमें हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन था, अब किस पे आ गया वर्टिकल, पेज खाली कर दे रहा हूं, अब देखो वर्टिकल कंपोनेंट पे आ जाओ, तो इसका मतलब ये है, सीधा सुनो देखो, ये कोई एक डोरी है और एक इसको ऐसे पकड़ के अपन ऐसे घुमा दे, उर्दू है वर्तमान तो गति, सारी कहानी स्टार्ट यहां से, ठीक है। अब अपन एक काम करते हैं, इसी भी बात शुरू कर लेते हैं, तो डायग्राम को एक बार दोबारा बना लेते हैं, ए थोड़ा सा डायग्राम बनाने भैया थोड़ा सा, ये इसका सेंटर है और माना की बॉडी पहले यहां है, अब इसको आपने क्या दिया वी वेलोसिटी दी, यू कलर चेंज कर दूं, वेलोसिटी के बाद भी यहां पर किसी थीटा एंगल पे इस जगह, ठीक है। अब तू जानता है डियर, आप ए यहां चले गए, पहले कहां थे ग्राउंड, ग्राउंड पे चले गए तो कितना उठे एच, इसमें सारा खेल किसका है कम का, कम, ये सारा खेल कम का है, कम, कम का मतलब कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, यानी गतिज और स्थितिज का जोड़ हमेशा तेरे को इसमें नियत रखना, बस गांठ बांध दे। वर्टिकल सर्कुलर मोशन में एक ही लाइन है, काइनेटिक और पोटेंशियल का सम हमेशा सेम रहेगा, तू जगह ही जा, यस आसिन जी। अब यहां जो बॉडी थी इसको मैं ए पॉइंट कह दूं, इसको पी पॉइंट कह दूं, अब तू जानता है ये लंबाई एल है, ये भी क्या होगी एल, ये कितनी बची पुत्र एल कोस, ये कितनी बची एल कोस थीटा, एल कोस थीटा। तो सबसे पहला प्रश्न तो ये है कि ये गेज कितना उठी एल माइनस एल कोस थीटा, यानी सबसे पहला प्रश्न एच इक्वल टू एल वन माइनस कोस थीटा, बोलो हाँ यार, यस बोलो। ये बॉडी ए से पी पर गई तो कितना उठी एल, देख ये कितना एल, एल माइनस एल कोस थीटा, ओके। अब तू कहता ए बिंदु पे, तो ए बिंदु पे एमजीएस तो क्या है जीरो, सारी की सारी क्या है हाफ एम यू स्क्वायर, इक्वल टू पी बिंदु पे एम कितनी होगी एमजीएच, प्लस कितनी होगी हाफ एम वी स्क्वायर, माना कि पी बिंदु वेग क्या है वी, इसको आप वीपी कह सकते हो करने के लिए, एक ही बात है बिल्कुल, बोलो हाँ ना। यहां बॉडी है MGH क्या है H, H मान लो रेफरेंस मान लिया इसको पढ़ने, तो यहाँ H क्या है जीरो, सारी कौन है हाफ एम यू स्क्वायर, यहाँ गई तो MGH पोटेंशियल वेव प्लस हाफ
थोड़ा सा इसको मैं चेंज करूं तो एक काम करो एम से हम काट दो ये यू स्क्वायर है इस टू को इधर लेके जाऊं मैं तो दिस इज टू जी एच प्लस वीपी स्क्वायर और अपन थोड़ा सोल्ड करें इसको तो दोस्तों वीपी स्क्वायर आएगा यू स्क्वायर माइनस टू जी एच आज की क्लास की सुंदर चीज आ रही है तो वीपी बराबर आ रहा है यू स्क्वायर माइनस टू जी एच इसका पहला पॉइंट हो गया ये किसके लिए हो गया वेलोसिटी के लिए बोलो किशोर पुत्र यस यस ये इसका एक फॉर्मूला हो गया yes. मिटा दूं yes. अब मैं आता हूं भैया इसके टेंशन पे अब टेंशन की बात करें तो आप यहां कलर चेंज करूंगा तो दिखता कम वाले पर मजबूरी होगी मेरी ये कलर ये कौन है एमएमसी ये कौन है टेंशन टी यस ये कौन थीटा ये कौन कितना है थीटा ये कितना बना पुत्र mg cos थीटा और इधर एक फोर्स लगेगा वो क्या बनेगा mg sin थीटा जो 80 है यस यस जो कौन है 80 है अब देख t किधर है अंदर की ओर mg किधर है बाहर की ये दोनों मिलके क्या देंगे रिजल्टेंट mv स्क्वायर बाय r अब बता बड़ा t या mg cos थीटा कॉमन सेंस की बात है mg cos थीटा बड़ा हो गया इसे तोड़ देगा सीधी सी बात है अब मैं कलर वापस चेंज कर दूं मेरे वापस कलर जाता हूं t माइनस mg cos थीटा इक्वल टू mv स्क्वायर बाय l यस यहां r नहीं बोलेंगे कि लंबाई l है तो l का l है तो t माइनस mg cos थीटा बराबर mv स्क्वायर बाय l अब v कोण vp v कोण vp आ जा तो t माइनस mg cos थीटा m बटे l व्हाट इज vp स्क्वायर u स्क्वायर माइनस 2gh 2gh नोट ठीक है जी आगे चल तो t इक्वल टू उधर ले चल पूरे को mg cos थीटा प्लस m / l mu स्क्वायर / l माइनस माइनस क्या करोगे भैया यस m 2 mgh 2 mg h / l / l ये भाई पुत्र किशोर किसका फॉर्मूला हो गया ये तनाव का तनाव पर h अपन ने पीछे की ज्ञात कर रखी है अभी आओ उस पे आऊं अभी आऊंगा h क्या है h है l माइनस l l cos थीटा cos थीटा ठीक है तो मैं एक काम करता हूं इन स्टेप को मिटाता हूं इन स्टेप को मिटा के और उसकी वैल्यू पुट करता हूं ताकि बच्चों को दिक्कत नहीं है तो t इक्वल टू जरा बोल साथ में किशोर mg cos थीटा प्लस mu स्क्वायर / l माइनस 2mg 2mg अपॉन l l h क्या लिखूं मैं h हो गया आपका l इनटू 1 माइनस cos 1 माइनस यस cos थीटा एक l से काट दे अब इस स्टेप को मिटा दे अपने बच्चे के बिल्कुल ढंग से पढ़ना t इक्वल टू mg cos थीटा प्लस m mu स्क्वायर / l माइनस क्या करें देखो सर 2mg ये यस क्या करें माइनस 2mg 2mg प्लस 2mg cos 2mg cos थीटा और आगे चल अब तेरे सामने ये तो कितना हो गया रे 3 3mg cos 3mg cos थीटा माइनस 2mg प्लस m u स्क्वायर / l दोस्तों ये इसके मास्टर फॉर्मूले हो गए भैया बिल्कुल ये तो हो गया किसी बिंदु पे वेग का फॉर्मूला इसको मैं तू टीपी कह दूं यस ये ले इतना ही लेकिन एग्जाम में ये नहीं करना एग्जाम में तो सीधा ठोकना है बट डेरिवेशन नहीं करेंगे तो मजा नहीं आएगा बात का क्योंकि वर्टिकल सर्कुलर मोशन में जान इतनी है यहां से चल के यहां तक आया ठीक है अब मैं इन सबको मिटा के तो ये वीपी का टीपी का फॉर्मूला दिमाग में सेट रख ए ये मिटाया और मैं यहां से आ जाता हूं डी ये मेरा कोई मोशन है मैं यहां से गया मैं इस बी बिंदु पे आया मैं इस बी बिंदु पे आया मैं सी बिंदु पे आया मैं डी बिंदु पे आया और मेरा ए बिंदु ए पहुंच अब चल बोल मेरा साथ दे तू वीपी क्या था रूट ऑफ यू स्क्वायर माइनस टू जी एच जरा बोल टीपी क्या था थ्री एम जी कॉस यस थ्री एम जी कॉस थीटा माइनस टू एम जी माइनस टू एम जी प्लस एम यू स्क्वायर बाई एम यू स्क्वायर बाई बिल्कुल क्लियर हो गए बिल्कुल अब कांड शुरू करते हैं किशोर पुत्र यदि फर्स्ट केस यदि थीटा इक्वल टू 90 डिग्री बी पे पहुंच गया यानी ये कण कहां से कहां पहुंच गया ए से बी पर पहुंच गया ए से बी पे पहुंच गया वीपी क्या बन गया वीपी हाँ, यस और यू स्क्वायर तो यू स्क्वायर है
एच क्या बन गया भैया, एल, एल। तो ये फॉर्मूला हो गया यू स्क्वायर माइनस टू जी एल। बोल बोल बोल। और तेरा टीपी क्या बन गया, टीपी दे क्या बन गया, कोस 90 क्या होता है जीरो, तो वो क्या बच गया एम स्क्वायर यू स्क्वायर एल माइनस टू एम जी टू एम जी। कलर चेंज करो तेरे लिए। यदि ये चला गया सी पर सपोज कर, तो सी पे थीटा क्या हो गया 180। बोल बोल। थीटा क्या हो गया 180। तो दोस्तों पहले तो वी पर है, तो वी पर तो तेरे सामने सामने वी सी कहेंगे उसको, तो वी सी क्या होगा यू स्क्वायर माइनस फोर जी एल फोर जी आर एल। पर नहीं क्या एच टू आर भी हो गया क्या, एक आर टू आर। और दोस्तों टीपी टी सी क्या हो गया, कोस 180 का होता भैया माइनस सी, तो क्या हो गया माइनस माइनस 5 एम जी। तो क्या बच गया पुत्र एम यू स्क्वायर एल माइनस 5 जी। ये तेरे अलग अलग कंडीशन की फॉर्मूला आ गया, तनाव आ गया, सब आ गया। अब इसको मिटा देता हूं, इसको मिटा के दोस्तों अब मैं उन डेटाओं पे आता हूं जो आपको याद करना है। माना आप ए पर हो, माना आप किसी बिंदु पी पर हो, माना आप बी पर हो, माना आप सी पर हो, और माना आप किसी डी बिंदु पर हो। अब सुनो भाई, मिनिमम क्या होना चाहिए, क्रिटिकल गैस मिनिमम क्या होना चाहिए कि एक गेंद यहां से केवल यहां तक ही जाए, रूट टू जी एल। हम आपको तो पढ़ा नहीं रहे हैं, पर इसके बिना क्वेश्चन करेंगे तो मजा नहीं आएगा। केवल मैं कहता हूं मैं इसको कितना वेग दूं कि केवल कहां तक पहुंचे, बी तक पहुंचे, बी तक पहुंचे, तो मैं क्या कहूंगा जीरो प्लस हाफ एम यू स्क्वायर इक्वल टू एम जी आर प्लस जीरो। यस, यहां तक पहुंचे इसका मतलब वहां अंतिम में क्या हो जाए जीरो। तो डियर मेरा यू की वैल्यू क्या आएगी, रूट टू आर जी आर रूट टू जी आर। यस, ये मेरी पहली कंडीशन है कि यहां से यहां तक पहुंचाना है तो मेरे को कम से कम रूट टू जी आर का वेग देना होगा। अब सुने, यदि मेरा यू जो है वो लेस देन टू जी आर हो जाए तो मेरा कण भाई यही कहीं ऐसे रहता है, बी से पहले ही। यस, बात पकड़ रहा है, यू कम से कम रूट टू आर जी दूंगा तो यहां तक जाएगा, और यदि मेरा यू इससे कम है तो यहां। और दोस्तों मैं चाहता हूं कि मेरा ये कण यहां से यहां पहुंच जाए, यहां से यहां पहुंच जाए तो फिर चल, यहां से यहां पहुंच जाए, सॉरी पूरा मिट गया है, यहां से यहां पहुंच जाए, ये मेरा ए, ये मेरा बी, ये मेरा बी, ये मेरा सी, यहां से यहां पहुंच जाए तो यहां कौन है पूरा का पूरा हाफ एम यू स्क्वायर प्लस क्या है जीरो इक्वल टू मैं क्या करूं हाफ एम बी सी स्क्वायर प्लस एम जी मल्टीप्लाई टू आर। मजबूरी में और एग्जैक्ट वहां तक पहुंचे, ठीक है डियर, वहां इसकी वेलोसिटी क्या हो क्रिटिकल, क्रिटिकल हो, कम से कम हो, वो क्या होती है रूट आर जी आर। तो दोस्तों यहां एक चीज आपको याद रखनी होगी, हाफ एम यू स्क्वायर प्लस जीरो इक्वल टू हाफ एम रूट आर जी। ये तेरा आर जी आ गया, ये तेरा टू एम जी आर आ गया, ये इसको अपन कैंसिल आउट करेंगे तो देख ये तेरा क्या है दो और आधा कितना ढाई, ये ढाई है और ढाई से आधा करेंगे तो आधा कर पांच, तो दोस्तों यू की वैल्यू आएगी रूट फाइव आर जी। याद रखने भैया, यदि यहां वेग रूट फाइव आर जी है तो सुनो, यदि वेग जीरो जीरो है, वेग रूट टू आर जी से कम है तो यहां घूमता रहेगा, एग्जैक्ट रूट टू आर जी है तो यहां होगा और रूट फाइव आर जी तो यहां पहुंच जाएगा। अब एक चक्कर और है, रूट फाइव आर जी से तो कम रहा और रूट टू आर जी से ज्यादा हो तब बोलना किशोर ये बॉडी यहां कहीं जाके गिरेगी, कौन से पथ पे प्रोजेक्टाइल पराबोलिक, यह सही चीज। यदि यहां की वेलोसिटी रूट आर टू आर जी से तो ज्यादा हो और रूट फाइव आर जी से कम हो, ये अपन ने उल्टा कर दिया, उल्टा सॉरी उल्टा कर दिया ये रूट फाइव आर जी से यू रूट फाइव आर जी से तो कम हो और रूट टू आर जी से ज्यादा हो, समझो बात को, तो यहां तो पार कर गया यहां और यहां कहीं गिरेगा। yes. और वो किस पथ से गिरेगा, पैराबोलिक पथ पे गिरेगा। ये तेरे सामने कुछ सीन आ गए। अब मैं बात को दोस्तों और ढंग से आपके सामने लिखूं तो ये बिंदु मेरा ए, ये बिंदु मेरा बी, ये बिंदु मेरा सी, ये बिंदु मेरा डी। तो सबसे पहले लिखूं मैं टी ए, तो टी ए मेरा आएगा 6 एम जी, मेरा टी बी आएगा 3 एम जी, मेरा टी सी आएगा 0,
मेरा वी ए आएगा रूट फाइव आर जी, मेरा वी बी आएगा रूट थ्री आर जी और मेरा वी सी आएगा रूट आर जी। दोस्तों ये फॉर्मूले आपको बता दिए हमने, फॉर्मूले याद कर लो या आंकड़े याद कर लो आपकी इच्छा। ये वर्टिकल सर्कुलर मोशन की एक अल्टीमेट चीज थी जो पूरी आपको समझा दी गई, इसके अलावा कुछ नहीं बचता इसके अंदर बिल्कुल। और जो बी पर है वो डी पर एक ही बात, इसे कोई फर्क नहीं है, ये दोनों कंडीशन सेम है, इसे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला कि झूला इधर जाओ या चाहे झूला उधर जाओ, उधर जाओ, कंडीशन सेम होती है। इसमें बहुत से बच्चे क्वेश्चन करेंगे ना, यस सर, तो उसमें जैसे आप अपने सारा इसको डिस्कस कर लिया, यस सर, अब डिस्कस करने के बाद जैसे इसको निष्कर्ष निकालना बहुत ही ज्यादा रोमांचक होता है। सही बिल्कुल। कैसे, जैसे अपन इनका डिफरेंस देखें यहां से यहां जाने पर 3mg, यहां से यहां 3mg और यहां इसका वे का डिफरेंस मालूम है 2rg पता है। अब देखो हम यहां इस बिंदु ए पर चाहे कंडीशन आपकी क्रिटिकल हो, सही है, चाहे बिना क्रिटिकल कंडीशन हो, ठीक है, यहां हमने कितना वेट दिया क्रिटिकल, तो सब काम में रहना। ये वीसी जो है ना, ये इसको बोलते हैं क्रांतिक वेग, क्रांतिक क्रिटिकल तो इसके बाद घटना घट जाएगी, क्रांतिक वेग बोल इसलिए सी पॉइंट लेते हैं, सी फोर क्रिटिकल बोल दो, सी फोर सी पॉइंट बोल दो। तो इनका जो तनाव का अंतर है या वेग का अंतर सर, ये कभी भी आरंभिक वेग पर डिपेंड नहीं करेगा, नहीं करेगा, ये सबसे इसमें कहीं यू नहीं आ रहा है, धीरे घुमाओ चाहे तेज घुमाओ डिफरेंस सेम रहेगा। ये बिल्कुल आगे चलो, यस ये हो गया। उर्दू है वर्तुल गति, वर्टिकल सर्कुलर मोशन, हमें तो मजा आ गया बोल के, तो बता कैसा लगा तेरे को आनंद। अब क्वेश्चन में आ जा, यस चल, 1 किलोग्राम मास का पत्थर 1 मीटर लंबी डोरी से बांध के उर्दू चाल में 4 मीटर पर सेकंड से घुमाया जाता है, डोरी में तनाव 6 न्यूटन है, जब तो जबकि पत्थर होगा तो अगला कहता पत्थर कहाँ होगा, हमें तय पता है कि ये साहब डोरी है, आपने इसको बांध के घुमाया घुमाया ठीक है, 4 मीटर तनाव इसमें 6 है, तो कैसे बोलेंगे, बोलना भाई तनाव दे दिया अपने को, टी इक्वल टू क्या बोलोगे अपनी जो कंडीशन के साथ, एन स्क्वायर बाय आर, ठीक है भैया, तो आप इसे क्या निकालो, इसका टेंशन, टेंशन निकाल लो, तो एम कितना है, एम आपको 1 इजी, एम 1 है, वी कितना है 16, 4 × 16, यस, आर कितना 1 है, टी का मान 216 आ गया। अब तो वो सी इससे एक चीज बहुत शानदार मिली, हां शानदार ये मिली, अब इधर का तनाव इसने 6 और अपन ने ज्ञात करा 16, ये होता है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के लिए, यस, इसका मतलब वो तो नहीं है, सही है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन तो नहीं है, कौन सी वर्टिकल सर्कुलर मोशन है, अब उस कंडीशन को आपको फिर लेना पड़ेगा कि बोर्डिंग टॉप पर है या बॉटम पे, सही है, अब उसमें से किसी एक कंडीशन को अपन लेकर के आप 6 न्यूटन जहां पर भी आएगा वो अपन क्वेश्चन आंसर वो टिक कर पाएंगे, ठीक है, तो मान लीजिए अपन इसको यहां मान लें, ठीक है, तो यहां होने पर आपको पता है mg भी नीचे है बिल्कुल और टेंशन आपका वो भी नीचे, नीचे है, और ये आपका हो गया एम वी स्क्वायर बाई आर, अब इसमें टी अपन निकालते हैं तो हो गया आपका एम वी स्क्वायर बाई आर माइनस एम, देखो देखो टी किधर है नीचे की ओर, mg किधर है नीचे की ओर, इक्वल टू क्या करूं एम वी स्क्वायर बाई आर, टी कितना दे रहा अगला अपने को 6, mg कितना है 1 × 10 हो गया, 10 हो गया, तो ये क्या आया एम वापिस 1, V कितना 16, yes. R कितना 16 इक्वल टू 16 बराबर हो गया, तो इसका मतलब वहां बैठा है टॉप पर है, टॉप पे है, तो इसका आंसर हो गया वर्थ के उस्तम बिंदु पे, इसको अपन कह सकते हैं कि क्वेश्चन देख के अटेक करना, यस यस, क्वेश्चन देख के अटेक करना है, ओके डियर, चलो अगले प्रश्न पे आ जाओ भैया। एक कार, ये मेरा लाडला प्रश्न है, एक कार 500 मीटर त्रिज्या के वर्तीय पथ पे 30 मीटर पर सेकंड की चाल से, दोस्तों दिस इज हॉरिजेंटल हॉरिजेंटल सर्कुलर मोशन, बट इसमें क्या है पुत्र, इसमें एसी भी है और इसमें एटी भी है, एटी कितना है 2 मीटर पर सेकंड का, एसी देखो एटी कितना है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर देती है, और एसी कितना है मुझे नहीं पता, एसी में निकाल देता हूं तेरा, वी स्क्वायर बाई आर, वी कितना पुत्र 30 गुना 30, आर कितना है 500, ये तेरे 9/5 18 × 5 1.8 है, ये वैल्यू 1.8 है और ये वैल्यू 2 है, कहने का मतलब 2 वेक्टर है, एक 1.8 का है और एक 2 का है, तो रिजल्ट भी क्या बनेगा सब जानते हैं, 2 का स्क्वायर प्लस 1.8 का स्क्वायर, ठीक है यार, तो ये 2 का स्क्वायर 4, 1.8 का स्क्वायर करेंगे तो 8 इसका, उसको भी 4 मान लो, तो 8 हो जाएगा, तो 8 का रूट दोस्तों 2 से बड़ा 3 से छोटा, 2 से बड़ा 3 से छोटा, इसके बीच एक ही है, एक ही है, बिल्कुल, ये बहुत मेरा प्रश्न है आपको दोस्तों, 80 दे दिया एसी, भाई 80 एसी आप समझ में आ गई ना, देखो क्या है 80 कौन है, इस
चाल चाल में परिवर्तन का परिवर्तन है, यहाँ चाल का परिवर्तन है और ये चाहिए चाहिए अपने को, तो आपका आंसर आ गया। ओके यस, आगे चले भैया। एक कण ऊर्ध्वाधर वर्त में गति करता है जब ये निम्नतम स्थिति में 30 डिग्री से 60 डिग्री की कोणीय स्थिति गुजरता है। देखो भैया हम सब जानते हैं कि ये पहले है 30 डिग्री पे, पहले कहां है ऊर्ध्वाधर से 30 डिग्री पे, फिर कहां है 60 डिग्री से, पहले कोण है भैया T1, फिर कोण है T2। हम जानते हैं दोस्तों जैसे जैसे ऊपर जाते हैं वैसे टेंशन कम होती है, तो T1 बड़ा है, T2 छोटा है, तो कॉमन सेंस की याद नहीं भूल गए क्या? यहाँ टेंशन कितना था 6 mg, यहाँ क्या था 3 mg, यहाँ क्या था 0, याद करना पूरा पढ़ा दिया आपने। आगे फायदा हो गया। अब देख फॉर ए पार्टिकल नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेटेड सर्कुलर मोशन, असमान त्वरित वर्तीय गति, इसमें दोनों त्वरण भी हैं, बड़ा मजा आ गया, असमान है त्वरित गति है, त्वरित गति है, चित्र बनाओ। यस, एसी इधर है, एटी इधर है, ये इसका कोई रिजल्टेंट है, वी इधर है, यस, आर इधर है, बस इतनी चीजें होती हैं। पढ़ लिख क्या कह रहा है, वेग त्रिज्य है, त्वरण केवल अनुप्रस्थ है, वेग क्या है त्रिज्य, रेडियल, जो कभी तो होता ही नहीं, होता ही नहीं, यस, वेग अनुप्रस्थ बिल्कुल सही है, सही, वेलोसिटी इज ट्रांसवर्स बिल्कुल सही है, त्वरण केवल त्रिज्य है, ना गलत, तो वेग त्रिज्य मतलब ही नहीं है, ये देख वेग ट्रांसवर्स है, त्वरण त्रिज्य है, वो अनुप्रस्थ दोनों घटे, दोनों घटे, शानदार। ये मैं आपको पूरा पढ़ा चुका हूं ढंग से, और मैं दावे से कहता हूं इस क्लास को दो बार देख लेगा ना तो वर्टिक सर्कुलर मोशन की डाउट तो कभी गलत नहीं कर सकता, क्योंकि बच्चों को पता नहीं चलता टीचर पूछ क्या। यस यस, आगे चले क्वेश्चन नंबर 16, एक मोटरसाइकिल आर रेडियस के पुल, ये पुल वाले तो क्वेश्चन है, बात कर लेते हैं। आप एक पेज खाली देखो दोस्तों, एक पुल तो आपका होता इस तरह से, ये गाड़ी ऐसे चली, और एक पुल उत्तर तरह कैसे हो जाएगा, गाड़ी ऊपर से वन वे, ठीक है, कलर चेंज कर लेते हैं। माना कि एक गाड़ी यहां है, ऐसे तो मान ली गाड़ी है, डायग्राम से बढ़ेगा मेरे से, ये इसका रेडियस है, ये इसका है, अब तू जानता है कि ये किसी थीटा एंगल पे, इसके रेडियस को स्मॉल आर मान ले, तो ये गाड़ी यहां है, तो सबसे पहला पॉइंट तो ये मैं कलर चेंज कर तेरे लिए कि इसका एक अभिलंब बल ऊपर की ओर जाएगा, नीचे की ओर कौन है mg, ये एंगल क्या है थीटा, ये एंगल भी क्या होगा थीटा, तो इधर कौन बनेगा बोला किशोर पुत्र, mg cos थीटा, इधर क्या बनेगा mg sin थीटा। अब तो खुद देख आर किधर ऊपर की ओर, दिस इज दोस्तों मैं यूं कह सकता हूं आर बराबर यहां ऐसा हो गया mv² / प्लस mg cos theta, ये उस पल पुल के लिए है जिसको अपन बोलते हैं आकृति कॉनकेव है, कॉनकेव, ठीक है। यस, अब मैं इसका कलर चेंज करके तेरे लिए इस पे आ जाता हूं, यहां मान ले कि तेरी गाड़ी को यहां बैठी है, ठीक है, तो वही कहानी, ये तेरा थीटा, यस, ये तेरा कोण है इसके खिलाफ कैपिटल, कैपिटल, ये कोण है mg, ये थीटा तो ये थीटा, तो इधर कौन आएगा mg cos theta, इधर कौन आएगा mg sin theta। अब वही बात पूछो, आर कौन है बाहर की ओर, mg को किधर है अंदर की ओर, बड़ा कौन है mg cos theta, आर बड़ा हो गया तो गाड़ी कूद जाएगी, यस, तो बोल दो mg cos theta माइनस आर इक्वल टू mv² / r, तो व्हाट इज आर, आर को उधर ले जा, तो आर हो गया mg cos theta माइनस mv² / r, बस एक ही बात है भाई। अब आप देखो इसमें डिफरेंस हो रहा है, इसमें प्लस होगा। अब मेरा क्वेश्चन क्या है, अब बस अपन यही रुकने बताना, हाँ बिल्कुल रुके, जैसे अपन उस क्वेश्चन जो आगे अपन क्वेश्चन करने वाले हैं, हाँ, तो जैसे अपन यहां से इस तरफ आएंगे, हाँ, तो कोण आपका घट रहा है, घटेगा, तो कोस बढ़ेगा दोनों केस में, हाँ दोनों केस में, कोस केस आप आ रहे हैं तो थीटा आपका घट रहा है और कोस बढ़ रहा है, अब यही देखो ये कोस बढ़ रहा है आर बढ़ेगा, तो इसमें अपन ऐड करने, हाँ, और यहां पर देखो जो प्लस वाला वही बढ़ रहा है वही बढ़ेगा, तो दोनों ही केस में नीचे आने के साथ ऊपर जाने, एक में नीचे आने के साथ और एक में ऊपर जाने के साथ, आने के साथ, बिल्कुल आने के साथ, दोनों में यहां से इस तरफ आने पर और यहां से इसे ऊपर आने पर, बस दोनों में ही आर अभिलंब बल, तेरी भाषा में हाँ अभिलंब बल बढ़ रहा है, एक बिटा दूं
किशोर राजा साफ कहता अगला, एक मोटरसाइकिल आर तेज पुल जा रही है, चालक नीचे चल रहा है, बोर्ड पुल के ऊपर की ओर बढ़ रही है, तो अभिलंबन बढ़ेगा। ओके थैंक यू, आगे चलते। ये तो यार क्या बार बार करना है इसका, तो वो सिंपल सा क्वेश्चन है। आर रेडियस के घर्षण रहित वृत्त की जो क्षेत्र पे कोई दोस्तों गाड़ी घूमती है उसकी एक ही शर्त है भाई, टेन थीटा बराबर वी स्क्वायर आई आर से, तो सीधी सी बात है। तो फिसलने के लिए कार क्या होगा, तो इसमें कौन सा जवाब दोगे आप? फर्स्ट आ गया, फर्स्ट टेन थीटा बराबर वी स्क्वायर बाई आर जी। एक सिंपल सा दोस्तों क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, इसका आंसर फर्स्ट दे पाएंगे, फोर देंगे उसके बाद है। अच्छा क्वेश्चन क्वेश्चन है ना, त्रिज्या आर के घर्षण वृत्ति झुकेतर कार में तल का झुकाव कोण जिससे कि कार फिसलती है, जिससे कार फिसलती, ये तो क्या शर्त है? वो तो बिना फिसले का क्रांति का आ गया, बिना फिसले का होता उसके फिसलते मतलब थीटा लेस देन हो जाएगा आपका। आगे चलो, आगे चलो। वर्तीय गति करते हुए कण के त्वरण के स्पर्श रेखीय घटक का क्या कारण है? तो साहब कहता है द टेंजेंट कंपोनेंट ऑक्सीडेशन ऑफ ए पार्टिकल। दोस्तों ध्यान चाहो क्लास का कि इसका मतलब इस तरीके से बात कर रहा है, ये त्वरण केवल और केवल किससे आएगा? चाल के परिवर्तन से आएगा। तो कहता कण की चाल, वेग की दिशा में परिवर्तन, वेग के परिमाण में परिवर्तन और त्वरण परिवर्तन की दर। तो भैया क्या कहोगे? ये हो गया आपका वेग के परिमाण। क्यों? वेग के परिमाण में परिवर्तन का मतलब है चाल भी बदल गई और वेग भी बदल गया, सीधी सी बात है। अरे वेग के परिमाण में, वेग के परिमाण का मतलब संख्यात्मक मान बदल गया और दिशा तो बदलती बदलती है, इसलिए इसका प्रॉपर आंसर क्या हो गया भाई? थर्ड आंसर हो गया। ये अपने आप में दोस्तों एक बहुत शानदार प्रश्न बन जाता हमारे लिए। आगे चले, यू फिर एक सरल लोलक अवमंदन से बिना दोलन गति कर रहा है, लोलक अधिकतम विस्थापन पे कहीं है और नीचे की ओर आता है, तो भाई मेरे हिसाब से तो सबसे पहला आंसर तीसरा हो गया, क्योंकि हमेशा कितने जाएगा ये नहीं, ये नहीं भाई, ये नहीं रेडियस के अकॉर्डिंग। यस, तो इसको किसका जवाब देंगे अपन? इसका थर्ड होगा। ये अच्छा क्वेश्चन हो गया, ये थोड़ा ज्यादा कर देगा भाई ये, क्योंकि रिजल्टेंट देखो एक तो ये है, एक रिजल्टेंट बनेगा इसका वो। यस, ये आपकी बहुत काम की चीज है भाई। आगे चले, हाँ ये और सुंदर है। 2 kg मास का पिंड 1 मीटर त्रिज्या के ऊर्ध्व वर्त रूपक में घूम रहा है, वर्त के उच्चतम बिंदु पे इसकी गतिज ऊर्जाओं में क्या है? वर्त के उच्चतम और न्यूनतम बिंदु यहां और यहां की ऊर्जाओं में क्या अंतर है? भाई मुझे तय पता है, यहां से यहां तक जो ऊर्जाओं का अंतर है, जो डेल्टा के है वो डेल्टा यू के बराबर है, वो डेल्टा यू दोस्त या एम जी मल्टीप्लाई टू आर, दिमाग क्यों खड़ा है? भाई यहां से यहां गया तो ऊर्जा का अंतर किसके बराबर? एम जी, एम जी एच, एच कितना है? 2R के बराबर है। तो M बोले तो 2 kg, G बोले तो 10, 2 बोले तो 2, R बोले तो 1 मीटर, तो आंसर क्या आ गया? 40 दिखवा दो, 40 के 40 है जुड़ा। ओके डियर, यस आगे चल। क्वेश्चन नंबर, हाँ ये बड़ा सोना प्रश्न है। 10 मीटर लंबाई के सरल लोल को क्षितिज से छोड़ा, B पर अभिकेंद्रीय त्वरण और स्पर्श रेखीय त्वरण के मान बताओ। यस देखो डियर, आपने कहां छोड़ा इसको? छोड़ा यहां से, उल्टा कर रहे हैं, पहले अपन यूं जा रहे थे, अब अपन इधर आ रहे हैं, ठीक है डियर। अब आपने इसको छोड़ा तो जाओ आप करेंगे, शुरू हो जाओ। यस, तो सबसे पहले क्वेश्चन तो आपने पढ़ लिया, 10 मीटर लंबाई के एक सरल लोलक को क्षैतिज से छोड़ा जाता है, यानी ये इसकी कंडीशन है हॉरिजॉन्टल, और कुछ अपन से की स्थिति बी पर अभिकेंद्रित त्वरण और स्पर्श रेखीय त्वरण क्या है? इसको ए कह दो। यस, ये आपका बी हो गया। अब जैसे अपन इसको यहां छोड़ रहे हैं सर, तो इनिशियली उसका आरंभिक वेग कितना हो गया? 0। क्लियर। अब इसको यहां से नीचे यहां पे आना है, तो जैसा कि अपन जानते हैं यहां तक इसका हो गया वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट एच। अब देखो ये हमारे पास इसकी लंबाई थी 10 मीटर, ठीक है, अभी 10 मीटर ही है। तू कह तो मैं उसको ऐसे कह दू, 10 × sin 30। यस, 1/2, क्योंकि ये तो कोस होता है, साइन 30 होता है, तो साइन 30 क्या होता है? 1/2, तो ये 5 सेंटीमीटर निकालना है दोनों प्रकार के त्वरण। तो इस पॉइंट पे आपका जो AC जो हो गया वो तो मिल चुका है, V² / R भी कितना है? R आपका 10 हो गया, तो ये इससे उड़ा दीजिएगा, तो हो गया 10 m/s², तो या तो ये होगा या फिर ये होगा। अब आती है बात स्पर्श रेखा, स्पर्श रेखा वाले, ठीक है, उसके लिए आपको यहां पर पहुंचना पड़ेगा वापस। देखो यस, नीचे फोर्स आपका mg, यस,
और ये एंगल 30 होने पर ये एंगल आपका 60 सर। अब देखो आप सर्कुलर मोशन में वही घटक की बात आएगी तो आप इस तरह घटक करोगे इसको तोड़ोगे तो ये आपका एंगल कितना हुआ 60 सही है। तो ध्यान करें एमजी कोस 60 ये हो गया एमजी कोस 60 डिग्री और ये हो गया आपका एमजी साइन 60 यानी इसको मैं ऐसे कर दूंगा एमजी साइन 60 मतलब रूट 3 बाई 2 2। अब बात अच्छा ये काम नहीं आएगा ये है स्पर्शी का त्रिकोण ये है हाँ पहली बार काम आया बिल्कुल ये एम कितना है एमजी रूट 3 बाई 2 हाँ तो अब इसमें ज्यादा कुछ अच्छा थोड़ा पूछा ना एम पे आएगा तो बस हां एम आएगा ना हां तो 10 बाय 2 5 रूट 3 ए पेज खाली कर दे भाई पेज खाली कर दो आप पेज साफ करो यस आ जा बेटा पीछे ए ये आपका 4 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर और 5 रूट 3 मतलब कहने का मतलब है कि स्पर्श रेखा के त्रिकोण पहली बार काम आया यस। अब तक अपने हमेशा एम जी कोस थीटा काम ले रहे थे ये पहला क्वेश्चन है जिसमें तेरा एम जी साइन थीटा भी काम आ गया तो ये एक वास्तव में बहुत सुंदर सी प्रॉब्लम वाली बन जाती है यस ठीक है डियर। देखो सर्कुलर मोशन को एक ये सारे क्वेश्चन कर लोगे ना आप कहीं मात नहीं खाओगे आगे चल रस्सी से बंधा एक कण ऊर्ध्वाधर बिंदु सी को क्रांतिक चाल मतलब ये रूट आरजी से है। इसका मतलब यहाँ रूट आरजी है यहाँ रूट 5 आरजी है यहाँ रूट 3 आरजी है यहाँ टी 0 है यहाँ 3 एमजी है और यहाँ 6 एमजी है। अगला कहता है कण की चाल का अनुपात बताओ तो कण की चाल किस किस पे ए बी सी के नीचे रूट 5 रूट 3 रूट 1 यस ओके यस। अब ये बताओ क्यों फुटबॉल हो गया पूरी कहानी समझाए आगे चल बेटा फिर वही बात है देखो घूर्णन करने देखो सुनो ये टेबल है ठीक है ये केंद्र है एक सिक्का इससे पहले यहां रखा मान लो 9 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे वो भी घूम रहा है yes. अब वो कहता है कि घूर्णन का वेग 3 गुना कर दिया जाए केंद्र से कितनी दूरी रखने पे अब वो यहां कोई मतलब पहले वेग ये था कोई तो 9 सेंटीमीटर फिक्स था yes. अब वो कहता ओमेगा 3 गुना कर दूं तब वो कहां फिक्स रहे तो इसमें सीधी सी बात है भाई देखो इसमें एक सिंपल प्रॉब्लम है एम आर ओमेगा स्क्वायर कांस्टेंट कांस्टेंट यस ओके एम के पीछे 1 2 नहीं आएगा आर के पीछे आएगा तो आर 1 ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू आर 2 ओमेगा 2 स्क्वायर। अब पूछा क्या अगले कितनी दूर रखें आर टू कितनी दूर रखा आर टू कुछ आर टू कोई बात ही नहीं करनी दोस्तों yes. तो हमें सीधी सी बात है कि आर ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू कांस्टेंट है ध्यान दे क्लास आर ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू कांस्टेंट है कोणीय वेग 3 गुना ये 3 गुना 9 गुना हो गया दोस्तों इसको 1/9 कर दो तो yes. पर 9 था तो क्या कर दो 1 सेंटीमीटर कर दो ध्यान दो क्लास में एम आर ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू कांस्टेंट तो ये एक आशा है This is angular momentum की derivation. कोणीय संवेग fraction. क्योंकि बाहर से कोई बल नहीं लगा रहे हैं तो कोणीय संवेग जीरो किसी किसका है angular momentum conservation का है कोणीय संवेग तो m r omega square equal to constant m constant तो r और omega square गुना क्या हो जाएगा constant तो omega 3 गुना बढ़ा तो वो चीज 9 गुना बढ़ी तो constant करने इसको 1/9 करना पड़ेगा तो पहले क्या था 9 उसका 1/9 का मतलब क्या हो गया 1 सेंटीमीटर ओके थैंक यू आगे चलो ये पुत्र मेरे हिसाब से बहुत शानदार क्वेश्चन साफ कहता है एम मास के कण को एल लंबाई की छड़ से ऊर्ध्वाधर घुमाया दौरान अधिकतम व न्यूनतम तनाव 3:1 है देखो ध्यान दो बच्चों अधिकतम तनाव यहां होता है नीचे ये ए बिंदु है ये सी बिंदु है। अगला साफ कहता है टी ए माइनस टी सी इक्वल टू क्या है भैया तो 6 mg होता है अपना वो होता है अपना 6 mg और यहां अगला कहता है अनुपात क्या है तेरा टी ए अपॉन टी सी टी ए अपॉन टी सी क्या है भैया अधिकतम संभव चाल क्या होगी पूछ लिया अधिकतम संभव चाल क्या होगी तो बात शुरू एक बात है ना कहां से बंधा रस्सी से बंधा हुआ सेम क्वेश्चन है तो टी ए क्या रखना पड़े 3 TC देखो ना यार TA बराबर क्या है 3 TC माइनस TC इक्वल टू क्या भैया 6 mg ये क्या बचा तेरा 2 TC तो 2 TC का मतलब वो TC बराबर आ गया 3 mg TC का मतलब है 3 mg तो यहां तनाव क्या हो गया 3 mg तो TA हो गया आपका 9 mg यस ये क्या हो गया 9 mg अब यहां गति के समय लगा के अपन आगे पिच सिखा दो लगा दो बस लगा दो तो यहां क्या है T equal to 9 mg तो दोस्तों T equal to mg तो क्या लगाओ फॉर्मूला जरा बताओ अपन यहां लगा देते हैं सीधा यस यहां पार्टिकल था ये तनाव आपका ऊपर कितना है यस और नीचे आपका फोर्स mg है हां
और ये बड़ा है छोटा, तो t माइनस m इज इक्वल टू m स्क्वायर बाई r, पूरा करें तो जैसे हमारा ये हो गया t माइनस माइनस m z इक्वल टू इज इक्वल टू m v स्क्वायर बाई r। हां ये t आपको दे रखा है 9mg, 9mg तो 9mg माइनस mg हो गया 8mg, 8mg यस, 8mg इज इक्वल टू हो गया देखो, तो कट गया सभी यस यस रूट 8 है मुझे आ गया यस m से, हां तो r को अपन l कह सकते हैं yes. तो तेरे सामने सामने कितना आ गया ये 4 का आंसर आ गया। ये 9 कहां से आया? नहीं तो अपन इसे सोल्व किया ना, बस इसे टी से हमारे पास आया, मैंने इसे पूछ के पूछ रहा हूं मैं, हां ये 9 कहां से आया कि यहां 3 आया yes, और यहां हमेशा इससे 6 ज्यादा होता है, याद रखना पड़ेगा क्योंकि अभी बताया था किशोर सर ने कि टी और वी इनिशियल वेव पे डिपेंड नहीं करते, नहीं करते हैं, ये मतलब चीज है बिल्कुल। चले आगे आगे चलो। हां तो भाई किशोर 25 क्वेश्चन यस, वो कहता है चित्र में दिखाए अनुसार एक सड़क पे कार नियत चाल से ए बिंदु पे फिर बी बिंदु पे गई तो कार पे अभिलंब प्रतिक्रिया बल आपका जो नॉर्मल फोर्स है वो ज्यादा कहां है? कहां? देख भाई फिजिक्स तो मुझे नहीं पता क्या कहती है, ये और ये दो सड़क है, कॉमन सेंस की बात है, यहां लंबा कट है वहां छोटा कट है, लंबा कट हमें शुरू से देता है एन ग्रेटर देन एम, बिल्कुल शॉर्टकट क्या बोलते हैं पढ़े वो क्या बोलते हैं छोरे स्टंट मारोगे स्टंट वो गिरने चांस ज्यादा बनेगा और नोड हो जाओ। ओके थैंक यू, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 हम लोग जब पेपर डिस्कस कर रहे थे, बिल्कुल साथ शूट करने से पहले पूरा पेपर डिस्कस करके आपके साथ आते हैं समय देके, तभी तो अच्छा मैटर मिल पाता है, तभी एक बहुत बड़ी बात भा रही है। देखो दोस्तों क्या कहता है, वर्तीय गति को कण है, समय और वेग और त्वरण के सदिश आप में दिए गए हैं, v का मान 2y v किस पे है x अक्ष पे और त्वरण x अक्ष पे भी है y अक्ष पे भी है, लेकिन एक बाधा सुनो आप यहां पर आप पे ऐसे जो खड़े होते हो ना तो ये जो त्वरण है इसका इसका आपस में कोई संबंध है नहीं, नहीं। सिद्ध जी बात तो आपको तो रेडियस चाहिए, तो रेडियस तो क्या होती है एसी वाला सिक्स है तो एसी इक्वल टू बी स्क्वायर बाई आर, तो आपको एक्चुअल में एसी लेना है बी स्क्वायर बाई आर है तो आप कौन सा काम लोगे आई वाला जे वाला, जे वाला जे वाला ओके बस, तो वी ए जो है वो जे पे कितना है 4 है, चार ए का मान क्या करेंगे 4, वी स्क्वायर क्या है 2 का स्क्वायर 4 दो में 4 आर एक, दोस्तों आर की वैल्यू 1 मिनट बस ध्यान रखना इसमें आई वी और ए 2 तो वो तो कहां हो गए स्पर्श टेंजेंट हो गए, लेकिन सेंट्रीपिटल फोर्स में तो टेंजेंट नहीं चाहिए रेडियल के अलोंग चाहिए हमें। ओके डियर आगे चलो, अगला क्वेश्चन देख लो फिर वही कारण टेन थीटा बराबर फिक्स है बार बार क्या करना है टेन थीटा बराबर वी स्क्वायर बाई आर जी तो थीटा बराबर टेन इनवर्स है वी स्क्वायर बाई आर जी 27 का कैंसिल हो गया हमारा फर्स्ट कोई जल्दीबाजी नहीं हो जाए इसमें कई बार क्या जल्दीबाजी बिल्कुल हो जाती है। आगे चलो, ये जब हम लोग कर रहे थे तो बहुत मस्त क्वेश्चन लगा सही। देखो डांस रोड ये वो कहता है लोलक एल लंबाई की रस्सी है न्यूनतम स्थिति से एल लंबाई तक देख ये भी एल ये भी एल ये भी एल तो एंगल अपने आप क्या हो गया रे 60 डिग्री। अब एक बात बोलो तेरे को मैं यार ये कह रहा है मैं बताऊ क्या कह रहा है किशोर ये कह रहा है कि मैंने इसको साम्य अवस्था से 60 डिग्री पे विस्थापित किया और मुझे लोलक की न्यूनतम बिंदु पे चाल चाहिए मुझे इस बिंदु पे इसकी चाल निकालनी याद कर यदि मैं इसको यहां तक लेके जाता तो मुझे मिनिमम वेग क्या चाहिए रूट आर जी टू आर जी टू आर मुझे क्या चाहिए रूट टू आर जी बट यहां तक लेके जाना है तो निश्चित रूप है रूट टू आर जी कुछ कम ही होगा बिल्कुल ठीक है। अब उससे कम लेकिन दो आंसर है यस इसलिए आपको निकालना पड़ेगा तो कैसे निकालोगे यहां वेलोसिटी क्या है हाफ एम यू स्क्वायर इक्वल टू क्या है एम जी एच माइनस कोस थीटा यस आ जाइए एम से हम काट दें तो तेरा यू स्क्वायर बाई टू इक्वल टू जी एल तो है यस वन माइनस कोस कितना 60 60 कितना होता है 1 बट्टा 2 तो तेरे सामने सामने क्या आ गए जी एल बट्टा 2 2 से 2 कैंसिल आउट कर दे तो तेरे सामने इसकी वैल्यू तो फिर वही आ गई रूट जी एल आ गई ये हाफ एक मिनट अपन गड़बड़ कर दिया सही है ना बस हाँ। बीस पर इक्वल टू जी एल टू अब जी एल आ गया हाँ। तो ये आंसर आ गया रूट फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल कुछ नहीं किया हम लोगों ने अरे यदि रूट जी एल और 1.5 नहीं होता तो इसको मन नहीं निकालता यस निकालता नहीं बिल्कुल क्योंकि यहां तक लाने में कितना चाहिए रूट टू जी एल टू जी एल और यहां कम हो गया तो उससे थोड़ा कम होगा रूट जी एल बाकी तो
कम का फॉर्मूला है कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, यहाँ की गतिज स्थिति यहाँ की, और मुद्दे की बात यह 60 डिग्री क्यों आया, कि संभव त्रिभुज बन गया। ये भी अपना क्वेश्चन है भैया, इसमें तो मेडिकल में तो 60 क्यों आ गया, क्योंकि एल 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 तो अपने आप क्या हो गया 60 डिग्री। आगे चले, ये एक फिर वो क्वेश्चन है भाई, वो कहता है एक लोलक का गोलक इस प्रकार लहराता है कि कोणीय आयाम 90 डिग्री है, उच्चतम बिंदु पे यदि रस्सी को काट दिया जाए तो उसे गिर जाएगा बिजली से, बात करें 90 डिग्री का मतलब यहां से यहां ले गए इसको, तो यहां दोस्तों आप जानते हो हाफ एम स्क्वायर क्या हो गया, जीरो, बॉडी फ्री होगी, जहां छोड़ेगी वैसे बॉडी गिर जाएगी। ओके डी, आगे चले, ये बिल्कुल एक कॉमन सेंस का क्वेश्चन है, एल लंबाई के छड़ को एक सिरे पे लटकाया, जब ध्यानता हूं ये एक एल लंबाई की छड़ है, कहता है नियत कोणीय चाल से घूम रही है, ऐसे ऐसे घूम रही है, ऐसे यहां से भी घूम रही है, ये सारे कण भी घूम रहे हैं। देखो ये एक्चुअल में दोस्तों क्वेश्चन आएगा रोटेशनल मोशन में, घूर्णन गति में आएगा। देखो ये छड़ है, ध्यानता हूं ये छड़ है, ये छड़ ऐसे घूमेगी तो सारे कण जो है ना, फिर सारे कण आएंगे, इनमें एक क्वेश्चन बनता है, सारे कण जो है इसकी एक शर्त है, सारे कणों का ओमेगा क्या होगा, सेम, एक छड़ के कणों दो ओमेगा नहीं हो सकता, बट इसका छोटा चक्कर है इसका बड़ा चक्कर है, तो भाई सीधी सी बात है v कुल पे फॉर्मूला होता आर ओमेगा, तो ओमेगा तो सेम है, जैसे जैसे आर बढ़ेगा वैसे वैसे, तो इसको इतने समय चक्कर लगाना, इसको इतने समय चक्कर लगाना, तो जैसे जैसे केंद्र से दूर जाओगे रेखीय वेग उतना बढ़ता है, रेखीय वेग बढ़ता है, सीधी सी बात है, ओमेगा तो क्या है कॉन्स्टेंट है। अब तो क्वेश्चन वापस आ जाए, क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो यहां से लगाए तनाव क्या है, तो खुद देख लिया, अब कोई कण है, एक कण मान ले यहां है और एक कण, तो इस कण को तो दोस्तों इतना भार खींच रहा है, तो इस कण को है उसको इतना ही भार खींच रहा है, उसको भार खींच रहा कम है, कम है, इसको ज्यादा है, तो T1 T2 से बड़ा है, बिल्कुल। वैसे ये क्वेश्चन यहाँ का नहीं था, फिर भी आपके दिमाग में आया, आप लोगों ने करवा दिया, T1 दोस्तों आपका T2 से बड़ा हो गया, सर्कुलर मोशन की प्रॉब्लम अपने आप रहेंगे। ओके डी, आगे चलो, फिर वही प्रश्न आ गया, एम द्रव्यमान का कण एल लंबाई की हल्की छड़ है, छड़ से एक बार ये प्रश्न, ये छड़ कर दी गई, छड़ घूम रही है, अब तक क्या थी रस्सी, रस्सी थी, छड़ के दूसरे किनारे से ऊर्ध्वाधर में वर्तीय गति कर रहा है, तो वर्तीय पथ पूर्ण करने के लिए उच्चतम बिंदु पे कण की न्यूनतम चाल क्या होनी चाहिए भैया, जीरो, यहां जीरो हो जाएगी, ध्यान देना, यदि रस्सी होती तो आंसर होता रूट आरजी एलजी, लेकिन दोस्तों रोड जब होती है तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी, जीरो, ये थोड़ा सा ठीक सा क्वेश्चन। आगे चले, एक तो किशोर त्रिभुज ध्यान प्रेक्षण, इसका चौथा ऑब्जेक्ट में ऐसे होगा भाई, ध्यान तो इसका वैसे ये गलती से रह गया, यू स्क्वायर माइनस टू जी, ध्यान ना भाई जीएल, यू स्क्वायर माइनस टू जी एल दो, ये पूरा इसका आंसर ही आएगा इसका, ये करेक्शन है देखना इसमें, अब ये कैसे आएगा उसकी बात करते हैं, बताता हूं मैं। देखो डीएल एक सिंपल कहता है, एल लंबाई की रस्सी है, पत्थर बंधा हुआ है, उसको घुमाते हैं तो इनिशियल वेलोसिटी उसकी यू है, अब वो इतना घुमाए क्षितिज हो जाए तो बताओ वेग परिवर्तन है, पेज खाली कर, सीधा फंडा यार, पहले रस्सी यहां है, रस्सी यहां से यहां चली गई, तो यहां इसका वेग है यू, तो व्हाट इज नॉट यू, वी इनिशियल, यस वी इनिशियल इक्वल टू यू आई कैप, इसको अपन ऐसा करेंगे एक्स एक्स कर देंगे, इसको अपन वाई कैप कर देंगे, और यहां ये पार्टिकल यहां आ गया, इसको अपन कर देंगे वी फाइनल, ये तो कहोगे yes. तो डेल्टा वी इक्वल टू क्या है, वी फाइनल माइनस वी इनिशियल, अब वी इनिशियल तो बताया मेरे को yes. बट वी फाइनल क्या है, तो मैं जानता हूं जब रस्सी यहां से यहां जाती है, तो ये मेरा कॉमन सेंस का फंडा है, ये पहले पढ़ा चुका हूं आपको, दिस इज यू स्क्वायर माइनस टू जी एल, बट उत्तर उत्तर इसके क्या लगेगा, जे के पास, क्योंकि वेक्टर फॉर्म लाना पड़ेगा अपने को, तो दिस इज डेल्टा वी इक्वल टू यू फाइनल क्या है, रूट यू स्क्वायर माइनस टू जी एल का तो है जे कैप माइनस यू आई कैप। अब दोस्तों अपन जानते हैं जब भी किसी का परिमाण निकालते हैं तो अपन जानते हैं इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, तो ये तो स्क्वायर तो रूट हट जाएगा किसी बात, तो यू स्क्वायर माइनस टू जी एल प्लस यू स्क्वायर, और ये तेरे सामने सामने क्या आ गया 2u square minus 2gl, और इसने थोड़ा मॉडिफाई करके आंसर को 2 को ऐसे बाहर निकाल के u square minus gl आजा क्वेश्चन आजा, तो ये आंसर हो गया पहले काम, मैंने यहाँ इस आंसर को चेंज है 2u square minus gl, थोड़ा कंप्यूटर में करते समय ठीक नहीं करा पाए तो आंसर फोर्ट हो गया, ये एक अच्छी प्रॉब्लम नीट में आ सकती है, कहीं कोई दिक्कत नहीं। आगे चले भैया, ये फिर वही शानदार क्वेश्चन, एक चिकने चिकने का मतलब फ्रिक्शनलेस, फ्रिक्शनलेस फ्रिक्शन हमारे सिलेबस होता ही नहीं, वो मेडिकल होता ही नहीं, आईटी में आता अलग से,
फ्रिक्शन लेस है, एच ऊंचाई से किस न्यूनतम वेग वी से देखेला जाए। देखो सुनो, देख ध्यान सुनो, यहां एक गेंद है, इसको छोड़ा और वह यहां पहुंच जाए, ऐसे गति करती करती यहां पहुंच जाए। मैं भाई साहब एक ही फंडा काम लगाऊंगा, एनर्जी कंजर्वेशन, यहां से छोड़ा, यहां से छोड़ा तो यहां सारी एनर्जी क्या है, हाफ एम वी स्क्वायर प्लस एम जी एच इक्वल टू जीरो प्लस एम जी जीरो एम जी आर टू आर। आप यहां से आप रेफरेंस, यस सर, यस सर, टू आर बिल्कुल, क्यों तो हम रेफरेंस कहां से मान रहे, यहां से मान रहे हैं, क्या पूछ रहा है क्या तो निकाल दो यार तेरा, यस, तो ये इधर जाएगा तो 4gr माइनस 2gh, ठीक है, बोरा फोरदा जो कर दूंगा, यस यस, फोर आ गया ना, फोर जी आर माइनस आ गया ना, टू जी टू एच जी आर आ गया। तो इसमें एक कॉमन सेंस की बात का रेफरेंस लो, यहां से ऊर्जा क्या है, हाफ एम स्क्वायर एम जी, यहां से ऊर्जा क्या है, एम जी टू आर, एक ही बात, बस ठीक है, ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट आप आ जाओ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें बेटे, देखो 34 क्वेश्चन है, किशोरी बहुत बड़ा क्वेश्चन है, वो कहता है एम मास की गेंद है जो शंकु खड़ा है, शंकु है R radius पे V घूम रहा है, तो शंकु द्वारा गेंद पे अभिलंब प्रतिक्रिया बल का, वो तो सब बात की बात है, आप ऐसा करो पेज हरे करो, इसको पूरे के एंगल डिफाइन करो, सबसे कलर चेंज करो, कलर अच्छा नहीं आता वो, हाँ इस पे करो आप, तो जैसे मान लो ये कोई कोण है, हाँ डांस देख लो, इसमें सारा खेल एंगल का है इसमें, और इसमें इस कोण में ध्यान देना पुत्र, हाँ ये एंगल थीटा दिया अगले ने, और ये सर्कल, ये बॉडी घूम रही, अब आ जाओ, अब चलो, ये मान लो यहाँ अपनी बॉडी है, हाँ सर, और ये इसका है रेडियस, यस रेडियस मत लिखो, जगह खराब हो गया, ठीक है आगे चलो, चलो अब इसमें मेन सारा खेल एंगल का है, यस बस, जैसे ये एंगल थीटा है, हाँ इसके थीटा होने पर ये हो गया आपका 90 माइनस थीटा, और ये 90, हाँ ये 90, तो एक मिनट मत रखो, मैं चेंज कर दूं, तो ये तेरा एंगल क्या आ गया, थीटा, थीटा आ गया, बस अब इस थीटा को पकड़ लिया तुमने, हाँ और ये हो गया, ये तेरा कोण हो गया नॉर्मल, बस अब ये टोटल 90 होता है, हाँ तो ये होगा 90 माइनस थीटा, ठीक है, अब चूंकि हमने यहाँ पे m यूज कर लिया, हाँ, अब सारे फोर्स आप मिल चुके हैं, हाँ, ये हो गया फोर्स आपका mg, mg, yes, और ये आपका n, हाँ, और ये इसका है रेडियस, ठीक है, तो अब हमने घटक को करना पड़ेगा, हाँ, तो mg तो पहले से रेडियस का 90 में तोड़ना नहीं है, अब n को तोड़ो आप, तो ये कोण आपका था 90 माइनस थीटा, तो ये हो गया आपका n cos 90 माइनस थीटा, तो हो गया n sin, यस थैंक यू सर, यस, और ये और एन कोस थीटा इक्वल टू mg, अब ऑब्जेक्ट बन जाएगा, यस आ जाएगा क्वेश्चन का, पहला है एन इक्वल टू mg cos थीटा, आप पूछ रहे क्या अगले ने, गलत पूछा ना, गलत पूछा है, तो एन इक्वल टू mg cos थीटा, ये गलत हो गया, एन तो mg कौन कौन सा है, हाँ गलत हो गया, ये गलत हो गया आगे चल, g sin थीटा इक्वल टू v स्क्वायर r cos थीटा, भाग दे ले अपन इसका, भाग दे लो, भाग के कर लो, भाग देने से n से m कैंसिल हो गया, हाँ, तो e भाग दे ले लो, m से m कैंसिल, ठीक है, तो अपने इसमें देखो ये हो गया g sin बराबर हो गया ओमेगा स्क्वायर, देना देना उत्तर देना, tan थीटा इक्वल टू क्या आ गया, इसमें अपने cos के रूप में ही है आंसर, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, हां तो आप भाग करो ना, साइन अपॉन कोस, तो साइन मल्टीप्लाई जी इक्वल टू, एक बात है इसको आर ओमेगा स्क्वायर बोल दो, ये सही हो गया आपका, ये सही है, और एक एन साइन थीटा इक्वल टू भी सही है, कौन सा गलत हो गया, फर्स्ट गलत, ये शानदार चीज, शानदार, इसमें एंगल डिवाइड करना है बुद्धि की बात है, एक बार वापस पेज खाली करना बेटा जी, ये इसमें देखो सारा खेल क्या, ये थीटा थीटा, तो ये थीटा, तो ये 90 माइनस थीटा, तो जब जो आज तक हम छिपी तोड़ रहे थे ना, वो 90 माइनस थीटा, तो साइन कोस बन जाए, कोस साइन बन जाएगा, शाबाश थैंक यू, चलो आगे चलो भाई, और आज का लास्ट क्वेश्चन, लास्ट 35, चलो आओ 35 आप करो, आओ शुरू करो, वैसे तो यार क्वेश्चन रोटेशनल मोशन के, शॉर्ट में करना है, शॉर्ट में करेंगे, बस इसमें इतना काम करना है, जैसे मान लो यहां देखें आप किसी भी पॉइंट पे, पहले क्वेश्चन पढ़े पूरा, पढ़ तो क्वेश्चन कहता तीन एक समान कण
तीन रस्सियों से बंधे हुए हैं। क्षितिज वर्ती घूम रही है, सबसे भार वाले कण का वेग v है, तो वो कहता है t1 क्या है, t2 क्या है, t3 क्या है। अब t1 सबसे भार वाला दिया, सबसे बड़ी का t लिया, ये t1 मतलब जिसकी लंबाई 3l है वहां t है, जिसकी लंबाई 2l है वो t2 है, और जिसकी लंबाई l है वो t3 है। यस बस आ जाओ। अब यहां v तो सबके अलग अलग होंगे, हाँ बिल्कुल, तो कोणीय वेग सबके समान है, इसलिए इसको अपने कोणीय वेग के आधार पर ही क्वेश्चन को स्टार्ट करना करो। अब जैसे आपको यहां तनाव निकालना है, तो इस पे तो ओनली अब केंद्रीय बल लग रहा है, वो आपका m ओमेगा स्क्वायर इनटू ये लेंथ हो गई 3l। यस पुत्र बस, तो यहां तनाव तो इसमें तो अंदर की तरफ तो आपका t1, बाहर आपका ओनली सेंट्रीफ्यूगल फोर्स m ओमेगा स्क्वायर इनटू 3l, तो t1 तो आपको मिल गया m ओमेगा स्क्वायर 3l। यस, अब यदि मुझे यहां वाले पे बात करनी है, ये t1 का तो t1 लग गया, और ये आपका मैं इसको t2 मान लूं, इसको भी यहां पे t2 कर दूं, तो अब यहां तो तनाव कितना है, ये तनाव t2 कौन पार्ट कर रहा है, इस पे लगने वाला सेंट्रीफ्यूगल और इसका सेंट्रीफ्यूगल, तो इस पे कितना सेंट्रीफ्यूगल होगा वो अपन इसमें देखें, तो वो इसमें बड़ा काम का है, m ओमेगा स्क्वायर इनटू इसकी दूरी कितनी है 2l। अब देखो यहां निकालना हो ना, तो इसका सेंट्रीफ्यूगल प्लस इसका दोनों खींच रहे हैं इसको बाहर की तरफ, तो m ओमेगा 3l तो ये हो गया, 2l ये हो गया, जोड़ दो उसको, तो t2 हो गया आपका सीधा सा m ओमेगा स्क्वायर इनटू 5l। अब कुछ है नहीं, यहां पे ज्ञात करना हो तो देखो इसका एक एक्स्ट्रा और आ गया सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, यहां दूरी इतनी है, तो इसका हो जाएगा m ओमेगा स्क्वायर इनटू l, 5 पहले से था, 5 पहले से था, 6 हो गया, 6 हो गया, तो 3 5 6 हो गया, 3 5 6 है, 3 5 आंसर आ गया, आंसर आ गया 3 5 6, ये है 3 5 6। तो ओके डियर, इसी के साथ हमारा सर्कुलर मोशन का प्रोजेक्ट पूरा, और ये अच्छा क्वेश्चन है अपने आप से, ये देखना यहां जब है तो एक है, यहां पर दो हो गए, यहां पर तीन हो गए, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन अपने आप में। तो इसी के साथ आपका दोस्तों सर्कुलर मोशन का चैप्टर पूरा हुआ, नौवा चैप्टर पूरा हो चुका, नौवा वीडियो सर पूरा हो चुका, 10वीं वीडियो में फिर आपसे मिलते हैं। फिर से कहता हूं सीएलसी सीकर के यूट्यूब चैनल को जरूर देखें, एक सील सीकर का फेसबुक पेज है, वहां मैं सप्ताह में 3 से 4 बार लाइव आता हूं, उसको भी दोस्तों आप देखा करें, सीएलसी सीकर फेसबुक पेज को आप फॉलो कर लो, बेल आइकन दबा दो, जैसे मैं लाइव आऊंगा आपके पास एक लिंक टोन आ जाएगी, यहां भी लाइव आया जा रहा है। बाकी दोस्तों 26 नवंबर को, 3 दिसंबर को, 10 दिसंबर को आपकी संस्था ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट करने जा रही है, ऑफलाइन के बारे में जैसे सरकार का अप्रूवल मिलेगा उसी हिसाब से क्लास शुरू हो जाएंगे। थैंक यू, जय श्री कृष्ण।